हे गाइस, दिस इज भूपेंद्र सिंह एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। और आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही शानदार चल रही होगी। चलिए, तो हम लोगों ने कल जो बात की थी वो थी जैन धर्म की। और जैन धर्म में जो भी चीज़ें थी, मतलब जीरो लेवल से मैंने स्टार्ट किया था, जो महात्मा बुद्ध हैं उनके जन्म से मैंने स्टार्ट किया था। और अब हमारा जो टॉपिक बचा हुआ है वो है बौद्ध धर्म का किस प्रकार से पतन हुआ था। तो हम लोगों ने ये बौद्ध धर्म के बारे में बात कर ली थी, बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के परिचय के बारे में बात कर ली थी, धर्म चक्र प्रवर्तन कैसे होता है, किस प्रकार से उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, किस प्रकार की उनकी शिक्षाएं हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हम लोगों ने बात की थी, हम लोगों ने चार आर्य सत्य की बात की थी, अष्टांगिक मार्ग की बात की थी, 10 सील की हम लोगों ने बात की थी, हम लोगों ने दर्शन में बात की थी। कितने प्रकार के दर्शन हैं इनके? इनके हैं 4 प्रकार के दर्शन। कौन कौन से हैं एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। साथ साथ मैं भी बोलता हूँ, अनीश्वरवाद, यानी कि ये ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। इसी प्रकार से ये शून्यवाद को मानते हैं, यानी कि संसार की समस्त वस्तुएं किसी भी वस्तु की सत्ता नहीं है। इसके बाद अनात्मवाद को करते हैं सपोर्ट, ये यानी कि आत्मा का अस्तित्व नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि बिना आत्मा के किस प्रकार से बहुत सारे आक्षेप इन पर लगते हैं कि बिना आत्मा के किस प्रकार से पुनर्जन्म होगा। तो इसी के लिए जो है इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है कार्यकारण सिद्धांत जो है वो दिया। और कार्यकारण सिद्धांत के माध्यम से इन्होंने आत्मा की सत्ता को क्या किया, बताया कि आत्मा की सत्ता नहीं होती है। इसी प्रकार से हम लोगों ने कुछ क्षणिकवाद के बारे में बताया था। फिर मैंने कुछ आपको बताई थी बौद्ध संघ की कार्यप्रणाली के बारे में। इसके बाद कुछ हम लोग आर्ट एंड कल्चर में छोटी मोटी बातें कर ली थी, हम लोगों ने स्तूप की बात की थी। इसके बाद बौद्ध संगीतियों के बारे में मैंने आपको बताया। वज्रयान संप्रदाय, मतलब ये एक अलग से ही संप्रदाय था। हम लोगों ने, वैसे तो बहुत सारे संप्रदाय हैं, हीनयान और महायान, और हीनयान और महायान के बीच में अंतर क्या है ये भी हम लोगों ने पढ़ा। संप्रदाय बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वज्रयान 7वीं और 8वीं शताब्दी के मत में काफ़ी महत्वपूर्ण था, इसलिए हम लोगों ने वज्रयान शाखा के बारे में पढ़ लिया। इसके बाद मैंने आपको बौद्ध साहित्य पढ़ाए थे, सुतपीटक, विनयपीटक और अभिधम्म पीटक। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये जो सुतपीटक होता है वो कितने भागों में बांटा गया था, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था आपके पाली भाषा के अलावा बहुत सारे ऐसे ग्रंथ थे जो लिखे गए थे, जैसे कि मैंने आपको मिलिंद पन्हों के बारे में बताया था, दीपवंश के बारे में बताया था, महावंश के बारे में आपको बताया था। इसी प्रकार से अब हम लोग जो है बौद्ध की हम लोगों ने ये भी पढ़ ली थी, बुद्ध की प्रमुख मुद्राएं कौन कौन सी थी। आप जानते हैं धर्म चक्र मुद्रा, अभय मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, वरद मुद्रा, ये सभी चीज़ें हम लोग पहले से ही डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। अब हमें ये पढ़ना है कि किस प्रकार से बौद्ध धर्म का जो है क्या हुआ, हमारे भारत देश पर प्रभाव पड़ा, हमारे भारत देश पर बौद्ध धर्म का क्या प्रभाव पड़ा, उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। आप सभी को आवाज़ तो ठीक आ रही है ना? बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए, तो ये कुछ बातें थी जो आप सभी लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ। अब हम लोग बात करेंगे बौद्ध धर्म की उपादेयता यानी कि प्रभाव के बारे में, ठीक है। इसके बाद बौद्ध धर्म के पतन के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म में क्या समानता थी, ठीक है। और इसके बाद हम लोग बौद्ध धर्म को पूर्णतः ख़त्म कर देंगे। मेरे हिसाब से UPSC में या फिर अन्य एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन मेरे कंटेंट से छूटेगा नहीं, गारंटी के साथ। यानी कि मैं बोल नहीं रहा मैं आपसे कि सिर्फ और सिर्फ आपसे वादे कर रहा हूँ, कंटेंट भी आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बौद्ध धर्म से एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, और बौद्ध धर्म में से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ हिंदू धर्म में जो भी संप्रदाय थे उनकी बात करेंगे, जैसे कि हम लोग शैव धर्म की बात करेंगे, हम लोग वैष्णव धर्म की बात करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आपके इस्लाम धर्म, थोड़े बहुत फैक्ट हम लोग पढ़ लेंगे ईसाई धर्म और पारसी धर्म के बारे में। यहाँ पर आपके धार्मिक आंदोलन जो हैं ख़त्म हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछे, चाहे वो ईसाई धर्म से पूछे चाहे वो पारसी धर्म से पूछे, उसकी औकात नहीं है कि वो आपको परेशान कर सकेगा। चलिए, बिना किसी देरी के हम लोग बात करते हैं
आप सभी लोग जानते हैं अनअकैडमी इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करते हैं तो आप इंडिया के जितने भी बड़े टॉप एजुकेटर हैं इन सभी टॉप एजुकेटर के साथ आप जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम चैंपियनशिप स्टार्ट हो चुकी है, 13 जून को आपको ज़रूर से ज़रूर जो है एनरोल करना है। और ये जो टाइमिंग है ध्यान रखना, 10 से 12 के बीच में ये होगी। और यहाँ पर बहुत सारे प्राइज़ आपको मिलेंगे और जितने भी 1 to 50 आपके स्टूडेंट हैं उनको इंडिया के टॉप ये जो IAS IPS ऑफिसर हैं उनसे मेंटरशिप पाने का वो मिलेगा मौका मिलेगा। यहाँ पर लिमिटेड सीट है, 100 ओनली बैच बनाया जाएगा 100 स्टूडेंट का। ये टॉप 5 एजुकेटर हैं, इन टॉप 5 एजुकेटर के द्वारा जो है इनको गाइड किया जाएगा, ठीक है ना, ये भी आपको पता है। यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि आपके लिए लोन फैसिलिटीज़ है 0% इंटरेस्ट रेट पर, 2 घंटे में अप्रूव हो जाएगा और यहाँ पर आपको जो है कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर 100% सिलेबस करवाने की गारंटी मिलती है। यहाँ पर आप इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ जुड़ जाएंगे। यहाँ पर आप जो है 20 बुकलेट भी पाएंगे, जैसे कि आपको नोट्स की जो समस्या है जो आपको लगातार जो है मिल रही थी वो अब नहीं आएगी। यहाँ पर आइकॉनिक और प्लस के बारे में तो आप जानते हैं, यहाँ पर आप 35 डिस्काउंट पा सकते हैं 35% का BS लाइव कोड का यूज़ करते हुए, BS लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए। आप देख सकते हैं 1 साल 2 साल और 3 साल। यहाँ पर आप एक बात और समझना कि 1 साल का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं, आपका PT कभी भी होता है 2022 में, PT कभी भी होता है, जिस प्रकार से कोरोना वायरस के समय पर PT आपका एक्सटेंड हो चुका था, और 2022 में और 2023 में अगर आपका PT एक्सटेंड होता है तो उस PT तक आपका जो है ये सब्सक्रिप्शन चलेगा। तो जल्दी से जल्दी जो है करवाइए। और यहाँ पर ध्यान रखना BS लाइव, इस कोड को भूलना नहीं है, BS लाइव कोड का यूज़ करें। 1 ईयर 2 ईयर बैच स्टार्ट हो चुके हैं, यहाँ पर टेस्ट भी स्टार्ट हो चुके हैं, यहाँ पर भी आप BS लाइव कोड का यूज़ करते हुए इसको अनलॉक कर सकते हैं। अनअकैडमी कॉम्बैट तो आप जानते हैं रोज़ 11 बजे होती है और यहाँ पर बहुत सारे प्राइस आपको मिलते हैं, यहाँ पर भी आप अनलॉक कर सकते हैं BS लाइव। ये कोड काफ़ी महत्वपूर्ण है, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, अगर आप किसी भी कॉम्बैट का हिस्सा बनते हैं, अगर आप किसी भी टेस्ट को ज्वाइन करते हैं, तो ये कोड हमेशा ध्यान रखना B4 भूपेंद्र S4 सिंह LIVE, क्योंकि लाइव में पढ़ाता हूँ ऐसे आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बौद्ध धर्म के बारे में लगभग हम लोग 95% चीज़ें कर चुके हैं और क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ से हम लोग बात करेंगे बौद्ध धर्म का प्रभाव क्या पड़ा समाज पर, उसके बाद हम लोग पतन की बात करेंगे। ये तो हम लोग पढ़ चुके थे कि बौद्ध भिक्षु आपके 2 भागों में बटे हुए थे, एक था उपासक और एक थे आपके भिक्षु। उपासक जो होते हैं घर पर रहते हैं और गृहस्थी जीवन जीते हैं और उनके लिए 10 सील में से 5 सील को मानना बहुत ज़रूरी है। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं आर्थिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आर्थिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा बौद्ध धर्म की उपादेयता और प्रभाव में। आप सभी को आवाज़ तो ठीक आ रही है ना, एक बार मुझे बता दीजिए। हाँ, यहीं से अभी से ही स्टार्ट हुआ है, अभी से ही हम लोगों ने स्टार्ट किया है। आप सभी को आवाज़ परफेक्ट आ रही है ना, चलो ठीक है। देखो आर्थिक क्षेत्र में हम लोग बात करते हैं तो आर्थिक क्षेत्र में लोहे का व्यापक जो है इस्तेमाल होना स्टार्ट हो चुका था। आप सभी लोग जानते हैं मगध के आसपास का जो एरिया है, मगध का जो क्षेत्र है, वहाँ पर लोहे की खदानें बहुत ज़्यादा मात्रा में थी, तो लोहे का हर जगह इस्तेमाल किया गया, चाहे वो सैन्य दृष्टिकोण से हम लोग बात करें, चाहे हम लोग कृषि के दृष्टिकोण से बात करें। तो कृषि के दृष्टिकोण से भी लोहे का इस्तेमाल हुआ। पहले लकड़ी के जो हल थे उसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब लोहे के फाल का इस्तेमाल हो रहा है। अब लोहे के फाल के इस्तेमाल के कारण जुताई जो होती है वो अधिक गहराई तक हो पाएगी और अधिक गहराई
तक जुताई हो पाएगी, इससे अनाजों की पैदावार में वृद्धि होगी। अनाजों की पैदावार में वृद्धि होगी तो व्यापार और वाणिज्य भी क्या होगा, इसका उत्कर्ष होगा। इसके अलावा सिक्कों के प्रचलन से व्यापारियों और अमीरों को धन संचित करने का मौका मिला। यानी कि अब मगध साम्राज्य के पास क्या था, पैसा, पैसा ही पैसा था। चाहे वो वहां का राजा हो, चाहे वो वहां का व्यापारी हो, चाहे वो वहां का किसान हो। और आप जानते हैं कि जब पैसा जेब में आता है तो क्या होता है, घमंड बढ़ जाता है, अभिमान बढ़ जाता है, है ना। हर किसी इंसान का नहीं बढ़ता है लेकिन बढ़ जाता है। यहां पर बौद्ध धर्म क्या बोलता है, बौद्ध धर्म बोलता है कि भाई धन को संचित नहीं करना है, धन को संचित नहीं करता है। क्यों धन को संचित नहीं करना है, क्यों? क्योंकि धन दरिद्रता, घृणा, क्रूरता और हिंसा की जननी है। धन की वजह से ही तो आक्रमण होते हैं, धन की वजह से ही तो युद्ध होते हैं, धन की वजह से ही तो आपसी संघर्ष होते हैं। यानी कि अगर आपको दरिद्रता, घृणा और क्रूरता और हिंसा से बचना है और आपको समाज में नैतिकता का प्रचार करना है तो धन का संचय नहीं करना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि लोहे के फाल का इस्तेमाल हुआ कृषि में, और लोहे के फाल के इस्तेमाल के कारण उत्पादकता बढ़ी और उत्पादकता से हर किसी के पास धन आ गया, और धन आएगा तो क्या बताओ मुझे, घृणा, क्रूरता और हिंसा। परिणामतः क्या है, धीरे 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 जो है ये धन की ओर आकर्षण था, ये धन की ओर आकर्षण कम होता गया। क्यों कम होता गया, क्योंकि बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है कि भाई धन का संचय मत करना। तो आर्थिक क्षेत्र में प्रभाव ये आया कि बौद्ध धर्म के आने के बाद ये घृणा, क्रूरता और हिंसा जो है वो बहुत ही कम हो गई। आप जानते हैं अशोक ने तो राज्य का धर्म ही बौद्ध धर्म घोषित कर दिया था, और किस प्रकार से उसने बौद्ध धर्म की अहिंसा की नीति के माध्यम से अपने राज्य को चलाना चाहा, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। धीरे 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 उसके राज्य का पतन हो चुका। ये सभी बातें मैं आपको मौर्य साम्राज्य में करूँगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सामाजिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन आए। देखो सामाजिक क्षेत्र में आप जानते हैं कि दो वर्ग, एक तो आपका स्त्रियों का था और एक आपका शूद्रों का था। यहाँ पर स्त्री और शूद्र इनकी स्थिति बहुत ही खराब थी, उत्तर वैदिक काल से ही इनकी स्थिति बहुत ही खराब थी, और महाजनपद काल आया तो इसकी स्थिति जो है लगातार बिगड़ती गई। अब बौद्ध धर्म आया और बौद्ध धर्म आने के बाद उनको भी महत्व स्थान मिलने लगा। मैंने आपको बताया था कि स्त्रियों को संघ में अनुमति मिल चुकी थी, शूद्रों को भी संघ में प्रवेश की अनुमति मिल चुकी थी, और शूद्रों को और स्त्रियों को भी उपदेश सुनने का अधिकार था। इसी के विपरीत आप जाइए कहां पर, वैदिक धर्म पर, वहां पर स्त्रियों और शूद्र को ये मंत्र, वेद, ये सब पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो यहां पर आप समझिए सामाजिक क्षेत्र में काफी क्या हुआ, अच्छा खासा अच्छी खासी जो है सामाजिक क्षेत्र में काफ़ी जो है मतलब आधुनिक चीज़ों को अपनाया गया। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं राजनीतिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा। देखो ऐसे ही आपको लिखना है, यदि एग्ज़ाम में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको ये सभी आयाम जो है कवर करना पड़ेगा। यानी कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो सामाजिक क्षेत्र में इतना लिख देते हैं, आयाम में इतना लिख देते हैं कि वो और किसी आयाम को लिख ही नहीं पाते हैं। आंसर राइटिंग हम लोग कर रहे हैं, और आंसर राइटिंग में आप सभी लोग जानते हैं कि मैं आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से आपकी गलतियां बता रहा हूं, और एक साल के बाद आप इतनी अच्छी आंसर राइटिंग कर सकेंगे कि जब भी आपका प्रीलिम्स होगा तो मेंस तो आपका रुकेगा नहीं, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो आयाम को, सभी आयाम को कवर करना काफ़ी ज़रूरी होता है आप सभी लोगों के लिए। तो हम लोग देखते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा। तो जिस शासक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, चाहे वो बौद्ध, महात्मा बौद्ध का समकालीन हो या फिर उसके बाद हो, तो उसने क्या है, अहिंसा की नीति को लागू किया कि नहीं अब अहिंसा नहीं होगी, हिंसा नहीं होगी, अब युद्ध नहीं होंगे, अब राज्य का विस्तार नहीं होगा। जैसे कि बेस्ट एग्जाम्पल के रूप में आप अशोक को देख सकते हैं। हालांकि जितने भी नए स्टूडेंट हैं उनको शायद मालूम ना हो अशोक के बारे में, लेकिन हम लोग आगे मौर्य काल में अशोक को भी पढ़ेंगे। तो किस प्रकार से अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और धम्म की नीति का अनुसरण किया, और लंबे समय तक पूरे भारत देश में शांति रही।
लेकिन आप जानते हैं जैसे ही मौर्य वंश का पतन होता है वैसे ही क्या है, अहिंसा, युद्ध, मारकाट, ये सब फिर से स्टार्ट हो जाती है। फिर से शूद्रों की स्थिति और महिलाओं की स्थिति में काफी गिरावट आती है। अब हम लोग बात करते हैं सांस्कृतिक क्षेत्र में। सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा? सांस्कृतिक क्षेत्र में आप जानते हैं कला पर बौद्ध धर्म का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। कैसे? श्रद्धालु जो उपासक होते हैं उन्होंने बुद्ध के जीवन की अनेक घटनाओं को पत्थर पर उकेरा। आपने देखा होगा सांची का स्तूप, अगर नहीं देखा है तो अगर मौका मिले तो देखने जाना। बरहूत का स्तूप आपने देखा होगा, सारनाथ का आपने देखा होगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप मुझे बताओ कि ये सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है, लेकिन मध्य प्रदेश में कौन से शहर में है? सारनाथ का आप मुझे बताइए कहाँ पर है। इसी प्रकार से अमरावती का स्तूप, हालांकि अब साक्ष्य उसको देखने के नहीं मिलते हैं, जिस प्रकार से सांची के स्तूप को अंग्रेजों के द्वारा संरक्षित कर लिया गया था, उसी प्रकार से अमरावती के स्तूप के संरक्षण के लिए कोई भी प्रयास नहीं किए गए, जिस वजह से अमरावती का स्तूप काफ़ी जो है मतलब पतन की ओर आगे बढ़ा। अब तो कुछ अवशेष बचे हुए हैं, अगर सांची के स्तूप की तरह अमरावती के स्तूप को भी संरक्षित किया गया होता तो बौद्ध धर्म के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाती। ठीक है, तो हम लोगों ने ये भी बात कर ली बौद्ध धर्म की उपादेयता और प्रभाव। हम लोगों ने बात की थी आर्थिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा, हम लोगों ने बात की सामाजिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा, राजनीतिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा और सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो मेंस में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं बौद्ध धर्म के पतन के कारण। अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा, अगर मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा तो चलेगा क्या, बताइए मुझे। अगर मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, अगर मैं आपको नहीं बताऊंगा तो आप बता दोगे ना, इतने आप समझदार हो चुके हो, इतनी आपकी बुद्धि का विकास हो चुका है। जो भी बच्चे मेरे साथ में हैं उनका तो हो चुका है डेफिनेटली, और जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं उनका तो डेफिनेटली ये परिवर्तन देखने को मिल रहा होगा कि कहां कहां पर वो कमियां कर रहे हैं और कहां कहां पर सुधार कर रहे हैं। देखो, आप ये सोचते हो कि सर टॉप 3 की कॉपी चेक करते हैं, देखो हम लोग अपने सेशन में सारी की सारी कॉपी चेक नहीं कर सकते। तो आप सीखिए कि सर ये टॉप 3 कॉपी चेक कर रहे हैं तो वहां पर कौन कौन सी गलतियां बता रहे हैं विद्यार्थियों की। आप अपनी कॉपी खुद चेक कीजिए और आप देखिए कि हम लोगों ने कहां कहां पर गलती करी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप छोड़ के भाग जाए उसे कि भैया सर तो हमारी कॉपी चेक करते ही नहीं है तो हम क्या करेंगे। नहीं, मैं आपको गलतियां बता रहा हूं, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन लिखना है मैं ये भी आपको बता रहा हूं, तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, छोड़ के नहीं जाना है। चलिए, तो बौद्ध धर्म का पतन, मुझे विश्वास है आप सभी लोगों पर कि आप बौद्ध धर्म के पतन के कारण जो है आसानी से लिख दोगे। अगर मैं क्वेश्चन भी आपको दूंगा तो भी आप आसानी से लिख दोगे। कमेंट बॉक्स में मेरे साथ साथ बताते जाइए अगर आपको कोई एक्स्ट्रा पॉइंट दिख रहा है तो। देखो, मैंने क्या बोला था आपसे, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म में पतन का सबसे बड़ा रीजन था ब्राह्मणवादी क्रियाकलापों का समावेश होना। 7वीं और 8वीं शताब्दी आती है और 7वीं और 8वीं शताब्दी के बाद बौद्ध धर्म के अनेक संप्रदायों में कर्मकांड, ठीक है, पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, जादू टोना टोटका, ये सारी की सारी जो है ब्राह्मणवादी क्रियाकलाप जो है किसमें समावेश हो गए, बौद्ध धर्म में। अरे भाई, इसी का ही तो विरोध कर रहे थे क्षत्रिय वंश के, वैश्य वंश के, क्योंकि वो लोग परेशान हो चुके थे ब्राह्मणवादी क्रियाकलापों से कि यज्ञ करवाओ, राजसूय यज्ञ करवाओ, आप अश्वमेध यज्ञ करवाओ, बच्चा ने जन्म लिया तो यज्ञ करवाओ, मृत्यु हो गई, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक कर्म कांडों में ही फंसे रहो। क्लियर है, वही सब चीजें बौद्ध धर्म में भी स्टार्ट हो गई। तो नया क्या हुआ, कुछ नहीं, इससे अच्छा तो हम लोग ब्राह्मण धर्म में ही खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमें। ठीक है, दूसरी बात, जितने भी आपके जो ब्राह्मण थे जो परेशान थे कि भाई पूरे देश में बौद्ध धर्म का जो है प्रभाव पड़ चुका है, सारी की सारी जनता अब बौद्ध धर्म को स्वीकार कर रही है, इससे तो हमारा धर्म जो है क्या है, खत्म हो जाएगा। तो भाई साहब, चालू इंसानों ने क्या किया, चालू इंसानों ने बुद्ध को ही ब्राह्मणों का, बुद्ध ने ही विष्णु का अवतार बता दिया कि भैया बुद्ध जो है विष्णु का अवतार है। तो भैया सारी की सारी जनता जो है वो किसकी पूजा करने लगी, वो विष्णु की पूजा करने लगी, वैष्णव धर्म को मानने लगी, क्योंकि वैष्णव धर्म में क्या कहा गया, ब्राह्मणों ने क्या बोल दिया, ब्राह्मणों ने बोल दिया कि बुद्ध जो है वो विष्णु का अवतार है।
तो धीरे 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 जो है सारे के सारे जो लोग हैं वो वैष्णव धर्म में शिफ्ट होना स्टार्ट कर दिए। बौद्ध धर्म ने अपनी जो पहचान थी जो अलग थी ब्राह्मणवादी धर्म से, ब्राह्मण धर्म से, उन सभी पहचान को खो दिया। कर्मकांडों का प्रारंभ हुआ, ठीक है ना, और बौद्ध भिक्षुओं का आम लोगों से दूर जाना। पहले बौद्ध भिक्षु जो हैं आम लोगों के साथ में रहा करते थे, आम लोगों की बात सुना करते थे, आम लोगों को उपदेश दिया करते थे। लेकिन आप जानते हैं किस प्रकार से बहुत सारे राजाओं ने, बहुत सारे महाराजाओं ने इनको अनुदान दिया, विहार दिए। अब धीरे 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 जो है आम जनता से इनकी कनेक्टिविटी छूटती गई। अब बौद्ध भिक्षुओं से अगर आपको उपदेश लेने जाना है तो आप जाओ जहाँ पर वो रहते हैं, लेकिन अब वो कहीं घूम घूम कर उपदेश नहीं देंगे। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध ने किस प्रकार से हर एक राज्य में, हर एक शहर में जो है घूम घूम कर अपने उपदेश दिए, इसी प्रकार से यहाँ पर आगे आने वाले समय में धन संपत्ति होने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, आम जनता से इनका कटाव हुआ। और आम जनता से दूर जाने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, धीरे 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 जनता वैष्णव धर्म को अपनाने लगी। और मैंने क्या बोला था कि आगे आने वाले समय में, यानी कि 7वीं से 8वीं शताब्दी के समय पर, प्रमुख रूप से बात करता हूँ वज्रयान शाखा की। वज्रयान शाखा, इसके अलावा बहुत सारी शाखाएं हैं जिन्होंने पाली भाषा को त्याग दिया और संस्कृत भाषा को अपना लिया। पाली भाषा आम भाषा थी और जैन बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ था उसका प्रमुख रीज़न क्या था, उसका प्रमुख रीज़न यही था कि उन्होंने आम भाषा में उपदेश दिए जो आम भाषा को समझ में आए। आम भाषा को समझ में आए तभी तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। लेकिन फिर से संस्कृत भाषा की जटिलता आ गई, यानी कि आपसे कहा जाए कि आपको जो है अब स्पेनिश में जो है एग्ज़ाम देना है या फिर स्पेनिश में मैं आपको उपदेश दूं तो शायद मेरे हिसाब से आप नहीं समझ पाओगे। तो पाली भाषा को त्याग कर यहाँ पर संस्कृत भाषा को अपनाया गया, तो यहाँ पर जो है उपदेश और साहित्य ये जटिल हो गए, आम जनता को समझ में नहीं आए। आम जनता को समझ में नहीं आए तो क्या हुआ, आम जनता ने दूरी बना ली और धीरे धीरे वैष्णव धर्म की ओर आकर्षित हुए। इसी प्रकार से अगर बात की जाए बौद्ध मठ और विहार, ये बौद्ध मठ और विहार हैं ये कुरूतियों का केंद्र बन चुके थे। अगर बात की जाती है यहाँ पर, पहले संघ के नियम कायदे कानून थे, याद कीजिए मैंने आपको संघ के नियम कायदे कानून पढ़ाए हैं, लेकिन बौद्ध मठ में दारू वैश्यावृत्ति मतलब सामने नहीं आती थी लेकिन होती थी ये सब चीज़ें। अनुशासन, ये नियम कायदे कानून अब तोड़े जाने लगे और ये आम जनता के सामने प्रकट हो रहे थे। आम जनता के सामने जब प्रकट होंगे, आम जनता देखेगी कि भाई बौद्ध मठों में और विहारों में किस प्रकार से कुरूतियाँ विद्यमान बन चुकी हैं, किस प्रकार से यहाँ पर मांस मदिरा का सेवन किया जा रहा है, तो आप मुझे बताओ क्या आम जनता इनको सपोर्ट करेगी, नहीं सपोर्ट करेगी, क्लियर है। तो ये मैंने आपको मेन मेन रीज़न बताए जिसकी वजह से बौद्ध धर्म का पतन हुआ आगे चलकर। और मैंने आपको क्या बताया था कि बहुत सारे राजा महाराजाओं ने इनको धन दिया, बहुत सारे राजा महाराजाओं ने बहुत सारा धन दिया, इनके पास पैसा हो गया। और पैसा होने के कारण क्या हुआ, आप मुझे बताओ, बताओ मुझे, ये पैसा होने के कारण आक्रमणकारियों का शिकार हो गया। क्योंकि आक्रमणकारी उस समय पर जानते थे कि सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो किसके पास है, बौद्धों के पास। जिस प्रकार से मंदिर में पैसा होता है ना, सोमनाथ का मंदिर लूटा गया था, याद है आपको, सोमनाथ का मंदिर लूटा गया था, उसका उद्देश्य क्या था, धन की प्राप्ति। उसी प्रकार से बौद्ध मठों को भी आक्रमणकारियों के द्वारा क्या किया जाएगा, लूटा जाएगा। ये रीज़न थे जिसकी वजह से क्या हुआ, बौद्ध धर्म का पतन हुआ। एक और है, आगे आने वाले समय में जो राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ था बौद्ध धर्म को, अब वो खत्म हो जाता है। क्योंकि राजकीय संरक्षण देने वाले लोगों में से मौर्य वंश काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसी प्रकार से हर्य वंश के शासकों ने भी बौद्ध धर्म को जो है क्या किया, सपोर्ट किया। लेकिन मौर्य वंश का समापन होता है, समाप्त होता है, उसके बाद जो आने वाले वंश होते हैं राजवंश, जैसे कि शुंग वंश की हम लोग बात करें, कण्व वंश की हम लोग बात करें, सातवाहन की बात करें, गुप्त वंश के शासकों की बात करें, तो ये सारे के सारे जो थे ये ब्राह्मण वंश से संबंधित थे और ये ऑब्वियसली बौद्ध धर्म को और जैन धर्म को सपोर्ट नहीं करेंगे। तो किसको सपोर्ट करेंगे, ऑब्वियसली ये ब्राह्मण धर्म को सपोर्ट करेंगे, ब्राह्मण धर्म को संरक्षित करेंगे। तो अब आगे आने वाले समय में बौद्ध धर्म का पतन हो जाएगा और वैष्णव धर्म जो है क्या है, प्रमुख धारा में आ जाएगा। ठीक है,
इसी प्रकार से अब बौद्ध धर्म जो है राष्ट्रीय धर्म नहीं रहा। अशोक के बाद धीरे 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 जो है बौद्ध धर्म का पतन होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर है, ये सभी महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको बता दी। अगर एक्स्ट्रा बातें अगर आपको मालूम हो तो एक बार मुझे और बता दो। इसी प्रकार से आप जानते हैं शैव धर्म का उदय हो चुका था। शैव धर्म और बौद्ध धर्म क्या है, प्रतिद्वंदिता स्टार्ट हो चुकी थी। और आप जानते हैं शशांक आदमी, इस शशांक आदमी ने बौद्धि वृक्ष को कटवा दिया। इतनी ज़्यादा जो है प्रतिद्वंदिता थी, इतनी ज़्यादा वहाँ पर जो है असहिष्णुता छा चुकी थी। एक तो राजकीय संरक्षण नहीं मिल रहा, साथ साथ में क्या है, इनके अंत के लिए शासक खड़े हो गए। शशांक जैसे शासक जो है वो इतना ज़्यादा क्रूर इंसान था कि उसने बौद्धि वृक्ष को ही कटवा दिया, जो कि बौद्ध धर्म के लिए काफ़ी पवित्र वृक्ष था। उसकी जगह दूसरा वृक्ष लगाया गया है। अभी आप बौद्ध गया में जाते हो और जिस वृक्ष को आप देखते हो वो वृक्ष ओरिजिनल वृक्ष नहीं है, उसके बाद का वृक्ष है। ठीक है, तो ये सभी रीज़न थे जिसके कारण बौद्ध धर्म का पतन हो गया। अब मेंस में आने वाला क्वेश्चन हो या फिर प्री में आने वाला क्वेश्चन हो, ये छूटेंगे नहीं आपसे डेफिनेटली। ओके, अब आप समझिए, हम लोग पढ़ते हैं बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता। आप बोलोगे सर बौद्ध धर्म और जैन धर्म के सिद्धांत लगभग लगभग समान मिलते हैं, जिस प्रकार से सत्य बोलना, अहिंसा को सपोर्ट करना, है ना। तो आप एक बार हमें बता दीजिए कि सर समानता क्या थी और असमानता क्या थी, क्योंकि ये क्वेश्चन भी मेंस में पूछ सकता है और आपको मालूम होना चाहिए। समानता की हम लोग बात करते हैं, हालांकि मैं आपको असमानता भी बताऊंगा, चिंता मत कीजिए। सबसे पहले समानता की बात करता हूं, तो समानता की बात करता हूं तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि दोनों की दोनों धर्म जो थे उसके संस्थापक किस वंश से थे, वंश से संबंधित थे, वो क्षत्रिय कुल के थे। तभी तो आम जनता ने और भी लोगों ने सपोर्ट किया। अगर बताइए शूद्र वंश के होते तो क्या क्षत्रिय लोग या फिर वैश्य सपोर्ट करते इनको, नहीं सपोर्ट करते। इसी प्रकार से क्या है, दोनों की दोनों जो हैं धर्म वो वेदों की प्रमाणता को स्वीकार नहीं करते। वो ये नहीं बोलते कि भाई ईश्वर की कृति है, वो ये बोलते किसी इंसान ने वेदों को बना दिया है और उल्लू बना दिया है कि भाई ईश्वर की कृति है, जिससे कि आम जनता इनके वेदों की बातों को माने। और इसी प्रकार से दोनों धर्मों ने बोला कि भाई कर्म कांडों के माध्यम से आप संसार रूपी भवसागर से मुक्ति नहीं पा सकते हो। अगर आपको संसार रूपी भवसागर से मुक्ति पानी है तो आपको कर्म करना पड़ेगा, आपको जो है आप खुद अपने ही प्रयासों से मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, आपको कर्म कांडों की जरूरत ना ही नहीं है और ना ही आपको किसी पुरोहित की जरूरत है। इसी प्रकार से दोनों की दोनों कर्म और पुनर्जन्म दोनों को मानते हैं। लेकिन आप ध्यान रखना, असमानता में अभी मैं आपको बताऊंगा, पुनर्जन्म में विवाद था बौद्ध धर्म में। जब आत्मा ही नहीं है, जब आप आत्मा के अस्तित्व को ही नहीं मानते हो तो किस प्रकार से पुनर्जन्म को आप मानोगे। क्लियर है, ठीक है, ये बात आपकी हो गई। इसके बाद हम लोग बात करते हैं शूद्रों व महिलाओं की। तो दोनों की दोनों जो हैं शूद्रों और महिलाओं की स्वतंत्रता के समर्थक थे। दोनों की दोनों के लिए जो है मोक्ष के द्वार खुले हुए थे। जबकि ब्राह्मण धर्म में क्या कहा गया था कि शूद्र और महिलाओं को मोक्ष नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई, आप बताओ मुझे, उनने ऐसा कौन सा पाप किया है। तो क्या बोला उन लोगों ने, उन लोगों ने बोला कि भैया आपने पिछले जन्म में जो है कुछ बुरे काम किए होंगे जिसके परिणाम स्वरूप आपको शूद्र जाति में जन्म मिला है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको महिला बनाया गया है। अब आप समझिए शूद्र और महिला क्या बोलेंगे, हाँ यार हम लोगों ने कुछ ना कुछ जो है गलत काम किए होंगे पिछले जन्म में। अरे क्या पता पिछले जन्म में कौन से काम किए हैं कौन से काम नहीं किए हैं। ठीक है, तो शूद्रों और महिलाओं ने भी विरोध नहीं किया। शूद्रों और महिलाओं ने भी सोचा कि भाई ये तो हमारे जिंदगी में लिखा है, ये तो हमारे नियति है, अब हम लोग अच्छे काम करेंगे। शूद्र बोलते हम लोग तीनों वर्ग की सेवा करेंगे, उसके बाद हमें अगले जन्म में जो है उच्च कुल में जन्म मिलेगा। लेकिन मौत के बाद किसको क्या पता कौन क्या बनेगा कौन क्या नहीं बनेगा। तो ये सब ब्राह्मणों की सोची समझी चाल थी, है ना। अब हम लोग बात करते हैं असमानता के बिंदु। असमानता के बिंदु की बात करते हैं, बौद्ध और जैन में कौन कौन सी असमानताएं थी। तो मैं क्या बोलता हूं, सबसे पहले बौद्ध मोक्ष की प्राप्ति के लिए यानी कि निर्वाण की प्राप्ति के लिए, निर्वाण की प्राप्ति जो है बौद्ध धर्म मानते हैं कि इसी जीवन में आपको निर्वाण की प्राप्ति मिल जाएगी।
यानी कि शरीर के रहते हुए भी आपको निर्वाण की प्राप्ति मिल सकती है। जबकि जैन धर्म क्या मानता है, जैन धर्म मानता है कि जब शरीर से आपकी मुक्ति हो जाएगी, शरीर से आत्मा जब अलग हो जाएगी, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो बौद्ध धर्म सदैव मुक्ति के ऊपर विश्वास करते हैं और ये जो है ये विधेय मुक्ति पर विश्वास करते हैं। अगर सदैव भी आ जाए ना तो चिंता मत करना, सदैव का मतलब है देह के साथ मुक्ति। तो बौद्ध धर्म जो है देह के साथ मुक्ति का समर्थक है और जैन धर्म जो है वो विधेय मुक्ति को मानते हैं, यानी कि शरीर की मुक्ति के पश्चात ही आपका आपको जो है मोक्ष की प्राप्ति मिल सकती है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट की हम लोग बात करते हैं। बौद्ध धर्म जो है ये मुक्ति के लिए मध्य मार्ग को बोलते हैं, मध्य मार्ग का उपदेश देते हैं, मध्य मार्ग के समर्थक हैं। बोलते हैं भाई इतना ज़्यादा खाना मत खाओ कि भाई कब्ज हो जाए, इतना कम भी खाना मत खाओ कि कुपोषण का शिकार बन जाओ, इतनी स्पीड से गाड़ी मत चलाओ कि एक्सीडेंट हो जाए, इतनी कम स्पीड से भी गाड़ी मत चलाओ कि आप अपने टारगेट पर ही ना पहुंच पाओ। हर एक क्षेत्र में आपको मध्यम मार्ग अपनाना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि पूरी पृथ्वी जो है वो संतुलित है, थोड़ी बहुत यहाँ से वहाँ कुछ चीज़ें हुई तो संतुलन बिगड़ा और पृथ्वी का अस्तित्व खत्म। आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसका जो है रेशो बढ़ा और ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर का पिघलना, समुद्र स्तर का बढ़ना और किस प्रकार से जानते हैं ना छोटे छोटे आइलैंड डूबना, ये मैंने आपको एग्जांपल बताया है। तो बौद्ध धर्म बोलते हैं कि भाई संतुलित रहना बहुत ज़रूरी है, संतुलन के लिए मध्यम मार्ग अपनाना बहुत ज़रूरी है। जबकि जैन धर्म के लोग क्या बोलते हैं, ये कठोर साधना पर बल देते हैं। आप जानते हैं कि इन्होंने सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ त्यागने का मतलब कपड़े भी त्याग दिए। जबकि बौद्ध धर्म के लोग क्या बोलते हैं, भाई इतना भी तप मत करो, है ना, इतना भी तप मत करो, इतने भी भूखे प्यासे मत रहो कि भाई कुपोषण का शिकार बन जाओ, मर जाओ। क्लियर है ना, खाना पीना खाओ, कम खाना पीना करो और जो है तपस्या भी करते रहो। इसी प्रकार से ये दोनों धर्मों के बीच में असमानता के बिंदु हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बता देना। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करते हैं बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म में जाति प्रथा का बहुत ज़्यादा जो है विरोध किया गया था, फोकस किया गया था, बहुत ही निंदा की गई थी कि ये बहुत ही अमानवीय व्यवहार है बौद्ध धर्म। तभी तो बहुत सारे दलित लोग जो हैं वो क्या है बौद्ध धर्म को सपोर्ट करते हैं। जबकि महावीर जैन के बारे में हम लोग बात करते हैं तो उन्होंने इतना विरोध नहीं किया, उन्होंने कहा कि बस जाति प्रथा जो है वो अच्छी नहीं है और इसका खत्म होना जरूरी है, लेकिन कोई काम नहीं किया इन्होंने। लेकिन इन्होंने बौद्ध धर्म के लोगों ने फोकस किया। महावीर ने बुद्ध की अपेक्षा अहिंसा और अपरिग्रह पर अधिक बल दिया, ठीक है, और मुख्यतः बौद्ध धर्म में पाली और जैन धर्म में जो है प्राकृत भाषा का प्रयोग किया। ये जो पॉइंट है ना कईयों बार एग्जाम में पूछा गया, ये पॉइंट कईयों बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या पूछा गया है, मुख्यतः बौद्ध धर्म में पाली का इस्तेमाल किया गया था और जैन धर्म में प्राकृत का। आप थोड़ा सा जो है कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा इसको याद रखना, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, थोड़ा सा फोकस करना। यहाँ पर बौद्ध धर्म आपका पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है। आप मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स पर आते हैं, आप मुझे बताओ कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो छूट जाए, लगता है आपको कि कोई भी क्वेश्चन जो है आपका छूटेगा, मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। और ये है अपना टेलीग्राम ग्रुप, इस टेलीग्राम ग्रुप को जो है आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसी टेलीग्राम ग्रुप से आपको सारी की सारी पीडीएफ मिलेगी। जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो पीडीएफ आपकी सेंड कर दी जाएगी। ये अपना मेन ग्रुप है, बीएस लाइव कोड है अपना, ये यहाँ पर 12,362 सब्सक्राइबर हैं। ये है यूपीएससी डिस्कशन ग्रुप, ये है जीएस पेपर आंसर राइटिंग ग्रुप। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी नाम से आप सर्च कर लेना, मेरे ही फोटो लगे हुए हैं इस पर। ये हमारा मेन ग्रुप है, ठीक है, ओके। तो ये सभी चीज़ें ध्यान में रखनी है आपके, और कोड का तो आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, कोड आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो आपका अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन हो। व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, अगर आपको एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए तो वहाँ पर हमारी टीम जो है वो आपकी बिल्कुल पूरी हेल्प करेगी। अब हम लोग बात करते हैं कुछ धर्म के बारे में जिसका नाम है शैव धर्म। ये शैव धर्म बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए हम शैव धर्म को जो है डिटेल में पढ़ेंगे। शैव धर्म में अगर हम लोग बात करते हैं कि शैव का मतलब क्या होता है, इसका नाम शैव ही क्यों पड़ा, बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, इसका नाम शैव ही क्यों पड़ा,
कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए इसका नाम शैव ही क्यों पड़ा। ऑब्वियसली शिव के समर्थक थे, शिव की आराधना करते थे, इसीलिए इनका नाम जो है शैव पड़ा। अब शिव का अर्थ क्या होता है? शिव का अर्थ होता है शुभ, कल्याण और मंगल। क्या होता है? शुभ, कल्याण और मंगल, ये इसका मतलब होता है। और ऑब्वियसली मैंने कहा था शैव धर्म का नाम शैव धर्म क्यों पड़ा, क्योंकि ये लोग शिव की पूजा करते थे और शिव का मतलब क्या होता है? शुभ, कल्याण और मंगल, इसीलिए इस धर्म को हम लोग शैव धर्म के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं शिवलिंग की उपासना, तो ऐसा नहीं है कि ये शिवलिंग की उपासना आपकी वैदिक धर्म से ही स्टार्ट हुई थी। शिवलिंग की उपासना आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता से स्टार्ट हो चुकी थी और हड़प्पा सभ्यता वैदिक सभ्यता से काफ़ी पुरानी है। तो शिवलिंग की उपासना बहुत पहले ही हो चुकी थी, इसका मतलब इस धर्म का उदय पहले ही हो चुका था। हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य में हमें बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं, बहुत सारी मूर्ति मिलती हैं और शिवलिंग की पूजा के साक्ष्य भी हमें मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी शिवलिंग के जो हैं साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा सभ्यता में। इसी प्रकार से अगर हम लोग मूर्ति पूजा की बात करते हैं, शिवलिंग पूजा की हम लोग बात करते हैं, तो पतंजलि का जो एक महाभाष्य साहित्य है, इस साहित्य में भी शिवलिंग की पूजा के बारे में बताया गया है। अगर हम लोग ऋग्वेद की बात करते हैं कि ऋग्वेद में शिव के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है या फिर किस देवता के रूप में स्वीकार किया गया है और किस देवता के रूप में पहचान की गई है, तो वो है आपका रुद्र नामक देवता। रुद्र नामक देवता का इसमें उल्लेख मिलता है शिव के लिए। रुद्र अगर पूछ लिया जाए तो कौन है? वो शिव है। अगर हम लोग अथर्ववेद में बात करते हैं, जो कि एक लंबे समय के बाद ऋग्वेद के निर्माण के बाद जो है उसका निर्माण हुआ था, तो इसमें शिव को क्या कहा गया? इसमें शिव को भव, शर्व, पाशुपति और भूपति कहा गया। ये सारे के सारे जो नाम हैं वो किसके हैं? वो शिव भगवान के हैं। नाम एक हैं लेकिन नहीं सॉरी नाम अनेक हैं लेकिन ईश्वर तो एक ही है ना, ठीक है ना। तो इसीलिए गीता में लिखा हुआ है, आप सभी लोग जानते हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं आप किसी भी रूप की पूजा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो पूजा वो आराधना वो मेरे को ही समर्पित होगी, ठीक है ना। मोक्ष प्राप्ति के बहुत सारे साधन हैं, आप किसी भी साधन को आप अपनाइए, लेकिन ईमानदारी के साथ आपको मोक्ष की प्राप्ति मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं मत्स्य पुराण में, तो मत्स्य पुराण में हमें लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन मिलता है। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा का वर्णन भी दे रखा है, किस प्रकार से लिंग की पूजा आपको करनी है। तो ये है आपका कुछ बातें शैव धर्म के बारे में, कुछ इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया जो आपको मालूम होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रमुख शैव संप्रदाय। ये शैव धर्म जो है आगे आने वाले समय में अनेक संप्रदायों में चेंज हो जाता है। कौन कौन से? पहला है आपका पाशुपत, ठीक है, दूसरा है आपका कपालिक, तीसरा है आपका कालामुख और फिर चौथा है लिंगायत, जिसे हम लोग वीर शैव के नाम से भी जानते हैं। इनके बारे में थोड़ा बहुत हम लोग पता कर लेते हैं कि इसके संस्थापक कौन थे, कहां पर इस संप्रदाय का प्रचलन था और क्या विशेषता है। यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा होती है। और कौन कौन से शासक ऐसे रहे हैं जिन्होंने इन संप्रदायों को सपोर्ट किया है, क्लियर है। चलिए एक बार कमेंट बॉक्स पर आते हैं और देखते हैं कि किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। किसी को कोई दिक्कत हो तो एक बार मुझे बता दीजिए कि सर ये दिक्कत है। हाँ बहुत बढ़िया, ये अश्मिता पांडे हैं बता रही हैं पशुपति के लकुलेश थे। पशुपति की हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, तो देखिए पशुपत संप्रदाय ये शैव संप्रदाय का सबसे प्राचीन संप्रदाय है और इसके संस्थापक, जैसा कि अभी बताया था एक स्टूडेंट ने कि इसके संस्थापक वो कौन थे, वो लकुलेश थे, ठीक है। इनको शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है, यानी कि शिव के भी बहुत सारे अवतार बताए गए हैं। जिस प्रकार से विष्णु भगवान के अवतार हैं ना, कितने अवतार हैं कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, इसी प्रकार से 18 अवतारों में से एक अवतार को बताया गया है पाशुपत को और इनकी पूजा भी होती है। ऑब्वियसली कौन है, शिव ही तो हैं, शिव की पूजा कर लो चाहे पाशुपत की पूजा कर लो, क्या ही फर्क पड़ता है। इस मत के अनुयायी जो होते हैं वो पंचार्थिक कहलाए जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा, यहां से बनने की क्वेश्चन बनने की संभावना है यूपीएससी में, आपसे पूछ लिया जाएगा ये पंचार्थिक शब्दावली है ये किस धर्म से संबंधित है, तो आप क्या बताओगे किस धर्म से संबंधित है, तो आपको बताना पड़ेगा पाशुपत धर्म से संबंधित है। और इसी के अलावा अगर बात की जाती है, इस संप्रदाय के प्रमुख सिद्धांत हैं
वो हमें किस ग्रंथ से प्राप्त होते हैं? तो ये ग्रंथ का नाम ध्यान रखना, पाशुपत सूत्र। इस पाशुपत सूत्र से हमें मालूम चलता है कि पाशुपत संप्रदाय में किस प्रकार के क्रिया कर्म किए जाते हैं, किस प्रकार के नियम कायदे कानून होते हैं, किस प्रकार की मान्यताओं को मानते हैं, किस प्रकार से आराधना करते हैं, किसकी आस्था में विश्वास रखते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें हमें पाशुपत सूत्र के माध्यम से मिल जाएगी। अब हम लोग जो है बात करते हैं कि प्रमुख रूप से ये धर्म किस क्षेत्र में था। तो नेपाल का जो काठमांडू है, काठमांडू में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, पशुपतिनाथ का मंदिर। ये पशुपतिनाथ का मंदिर है, ये पाशुपत संप्रदाय के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो नेपाल और नेपाल का जो आसपास का क्षेत्र है, जिसमें बिहार झारखंड भी शामिल है, वहाँ पर प्रमुख रूप से ये प्रसिद्ध है। चलिए, हम लोगों ने पाशुपत की बात तो कर ली, अब इसके बाद हम लोग कपालिक की बात करते हैं। कपालिक में हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले इसके संस्थापक कौन थे, बताइए इसके संस्थापक कौन थे, किसी को मालूम है इस संप्रदाय के संस्थापक? मैं वेट कर रहा हूँ कमेंट बॉक्स में, आप मुझे बताइए। और वैसे भी हम लोग बात करते हैं इस संस्थापक के जो ईष्ट देव थे वो कौन थे, भैरव थे, ठीक है। और इस संप्रदाय का जो प्रमुख केंद्र था वो कौन से नामक स्थान पर था, ये श्री शैल नामक स्थान पर था। और हम लोग बात करते हैं कि किस माध्यम से, किस क्रिया के द्वारा जो है अपने ईष्ट देव की आराधना करते थे। तो कुल मिलाकर ये लोग तामसिक प्रक्रियाओं के माध्यम से, अब आप बोलोगे तामसिक प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि मांस भक्षण करना, जैसे कि गांजा पीना, जैसे कि अफीम पीना, जैसे कि वैश्यावृत्ति कार्य में लिप्त रहना, ठीक है ना, इन सभी के माध्यम से जो है ये लोग अपने देवता को प्रसन्न करते हैं। अब पता नहीं इससे देवता प्रसन्न होते हैं या फिर नहीं होते हैं, मुझे पता नहीं है, लेकिन इनका यही था। इस संप्रदाय के जो अनुयायी होते हैं वो आसुर प्रकृति के होते हैं, समझ सकते हैं भाई, ऑब्वियसली आप जानते हैं अगर ऐसे काम करोगे तो क्या बोला जाएगा। तो भैरव की ये लोग उपासना करते थे, और देखो भैरव को तो फालतू में जो है बदनाम कर रहे हैं, किस प्रकार से गांजा वांजा अफीम वगैरह किसको पीना है, इनको पीना है, दारू पीना है किसको पीना है, इनको पीना है, और फालतू में भगवान को क्या कर दिया, बदनाम कर दिया, ठीक है। आगे आने वाले समय में आप देख लीजिए, हम लोग देखते हैं कालामुख संप्रदाय का निर्माण होता है। इसका मुझे बताइए कि इसके संस्थापक कौन थे इसके संस्थापक, बताइए। जिस प्रकार से मैंने कपालिक के पूछे, कपालिक के संस्थापक के बारे में मैं कोई स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं मिलती है, इसलिए संप्रदाय संस्थापक के बारे में आपसे कभी नहीं पूछेगा, है ना। इसी प्रकार से जो है कालामुख संप्रदाय है, उसके संस्थापक के बारे में भी आपसे नहीं पूछेगा। कपालिक संप्रदाय की बात करते हैं तो ये जो है शैव धर्म का ही एक संप्रदाय था। अब इनके अनुयायी किस प्रक्रिया के माध्यम से अपने भगवान को खुश करते थे, तो ये भी तामसिक प्रवृत्ति वाले थे। मैंने अभी आपको बताया था कपालिक के बारे में, किस प्रकार से दारू पीना, किस प्रकार से शराब पीना, गांजा पीना, अफीम पीना, ठीक है ना। आपने देखा होगा कुंभ का मेला लगता है, और कुंभ के मेले के पहले जो है बहुत सारी वैश्याओं को बुलाया जाता है, उसके साथ ये शारीरिक संबंध बनाते हैं, और उसके बाद ये आराधना करते हैं, ठीक है ना। तो कपालिक और कालामुख इस प्रक्रिया के माध्यम से, शराब दारू है ना, मांस भक्षण, इस प्रक्रिया के माध्यम से जो अपने भगवान को खुश करते हैं, पता नहीं भगवान खुश होते हैं या फिर नहीं होते हैं, ठीक है ना। ये अत्यंत उग्र टाइप के होते हैं, अत्यंत भयंकर टाइप के होते हैं, और जिसे आप अघोरी बोलते हैं ना, कुछ इसी प्रकार से जो है आपको देखो किस प्रकार से ये जो चिता होती है उसकी राख लगाते हैं, अगर आप इनको देखोगे ना, बच्चे देखेंगे तो भाई डर जाएंगे, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये नर कपाल में भोजन करते हैं, आपको दिख रहा है फोटो में, ये नर कपाल है, और नर कपाल में ही पानी पीते हैं, नर कपाल में ही भोजन करते हैं। तो यानी कि इनमें भय नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, आप समझ सकते हैं ना, भय नाम की कोई चीज़ होगी लगता है आपको, चिता की जो राख लगाता होगा, नर कपाल में जो खान पान करता होगा। और इनको आप ध्यान रखना, ये अपने ही जीवन में जब ये कालामुख संप्रदाय को अपनाते हैं, धर्म को अपनाते हैं, तो अपने ही जीवन में ये अपना ही क्या करते हैं, पिंडदान करते हैं। मृत्यु के पश्चात जो आपका बेटा होता है, क्लियर है, वो पिंडदान करता है ना अपने बाप का, लेकिन अपने ही जीवन में ये अपना ही पिंडदान कर देते हैं। यानी कि अब जो है मतलब मौत को स्वीकार कर लिया है, कभी भी मौत से डर है ही नहीं है, क्लियर है, मौत से डर किसको होता है, तो इनको कोई टेंशन नहीं होती है, क्लियर है। ये मदिरा पीते हैं, ये अपने शरीर पर जो है चिता की भस्म भी लगाते हैं। चलो ये ठीक है, हम लोगों ने बात कर ली। इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रमुख शैव संप्रदाय में
कुछ और भी आपकी महत्वपूर्ण बातें हैं जो कालामुख में हमें पढ़नी है। शिव पुराण 18 पुराणों में से एक है और इस संप्रदाय के अनुयायियों को महाव्रतधर कहा गया है। ये महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन बना लिया जाएगा यूपीएससी में और आपसे पूछा जाएगा महाव्रतधर किसको कहा गया है, तो वो किसको कहा गया है, कालामुख संप्रदाय को। चलिए सबसे लास्ट आता है आपका, ये है लिंगायत या फिर वीरशैव। लिंगायत या फिर वीरशैव मुख्य रूप से ये दक्षिण भारत का, और दक्षिण भारत में भी बात करता हूं तो मुख्य रूप से कर्नाटक में ये जो था काफी प्रसिद्ध था। इसके जो समर्थक थे इनको जंगम कहा जाता था। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाएगा कि भैया जंगम किसे कहा जाता है, तो ध्यान रखना कि लिंगायत और वीरशैव को ही जंगम कहा जाता है। वीरशैव अलग नहीं है, ये लिंगायत कह लो या फिर वीरशैव कह लो बात एक ही है, लिंगायत कह लो या फिर वीरशैव कह लो बात एक ही है। और इस संप्रदाय के जो लोग हैं वो शिवलिंग की उपासना करते थे। किसकी उपासना करते थे, शिवलिंग की। ठीक है ना, आपने बाहुबली मूवी देखी है ना, बाहुबली मूवी, तो उसमें किस प्रकार से शिवलिंग को उठाता है वो, है ना, उसी प्रकार के अनुयायी यहाँ पर रहते हैं। आगे आप देख लीजिए इस संप्रदाय के अनुयायियों का विश्वास क्या है। इन संप्रदाय के अनुयायियों का विश्वास है कि भाई शिवलिंग की पूजा करो, शिवलिंग की पूजा पाठ करो, उनके प्रति आस्था रखो और इस आस्था के माध्यम से एक समय के बाद आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यानी कि ये कपालिक और कालामुख की तरह तामसिक प्रवृत्ति प्रक्रियाओं को नहीं अपनाते, शराब दारू इन सबसे ये दूर रहते हैं। ठीक है ना, ओके, आप ध्यान रखना। हम लोग बात करते हैं कि कौन से राजा थे जो सपोर्ट करते थे, तो कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी के एक साथ जो है अंकन हमें प्राप्त होता है कुषाण शासकों के समय पर। क्लियर है, इसका मतलब क्या है, कुषाण शासक जो है शैव संप्रदाय को मानते थे। हालांकि कनिष्क को आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा का समर्थक था, लेकिन इससे पहले और इसके बाद के जो आपके शासक रहे हैं वो शैव संप्रदाय को सपोर्ट करते थे, क्योंकि हमें मुद्राओं के माध्यम से मालूम चलता है कि इसकी मुद्राएं कहां कहां पर प्राप्त हुई हैं। इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं चोल शासक, तो चोल शासक भी शैव संप्रदाय को सपोर्ट करते थे। राजराजा प्रथम का आप जानते हैं, राजराजेश्वर मंदिर, और राजराजेश्वर मंदिर जिसे हम लोग वृद्धेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं ये भी शिव को समर्पित है। ठीक है, इसी प्रकार से हम लोग जानते हैं एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, ये जो है काफ़ी प्रसिद्ध है। एलोरा और एलिफेंटा कहाँ पर है बताइए मुझे, किस स्टेट में है, कमेंट बॉक्स में फटाफट। तो एलोरा के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, कैलाश मंदिर, जिसका निर्माण जो है कृष्ण प्रथम ने किया था, ये कृष्ण प्रथम जो है राष्ट्रकूट शासक था, यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है कि ये मंदिर जो है वो किस शिव को समर्पित थे। इससे हमें समझ में आता है कि कौन कौन से राजा थे, जैसे कि राष्ट्रकूट, गुप्त वंश के शासक, चोल शासक और कुषाण शासक, इन सभी शासकों ने क्या किया, शैव संप्रदायों को सपोर्ट किया। ये शाक्त धर्म के बारे में शायद आपने पहली बार सुना होगा, ये शाक्त धर्म आप सभी लोगों ने पहली बार सुना है क्या, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, शाक्त धर्म के बारे में आपने पहली बार सुना है क्या। चलो अच्छी बात है, अगर आपको मालूम हो तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं मालूम है तो मैं आपको बता रहा हूं। शाक्त धर्म की हम लोग बात करते हैं तो इस संप्रदाय में मुख्यतः माता दुर्गा एवं काली की उपासना की जाती है। किसकी उपासना की जाती है, माता दुर्गा और काली की उपासना की जाती है। शाक्त संप्रदाय का शैव मत के साथ घनिष्ठ संबंध है, आप समझ जाइए। हाँ, शाक्त संप्रदाय का शैव मत के साथ, क्यों, क्योंकि शिव शंकर जो हैं, भगवान शिव जो हैं, उनकी बीवी है ना ये अंबा, दुर्गा, गौरी, पार्वती और भी अन्य नामों से इनको हम लोग जानते हैं, तो ऑब्वियसली शाक्त संप्रदाय का शैव मत के साथ काफी घनिष्ठ संबंध होगा या फिर नहीं होगा, होगा ना। तो माता दुर्गा का सर्वप्रथम उल्लेख हमें मार्कंडेय पुराण में मिलता है। अच्छा, पुराणों की संख्या कितनी है ये बताइए मुझे, पुराणों की संख्या कितनी है ये बताइए आप मुझे। तो इस प्रकार से शाक्त धर्म के बारे में हमें समझ में आता है कि पार्वती, दुर्गा, इन सभी नाम से जो है हम लोग जानते हैं, और आप सभी लोग जानते हैं ये जो है पार्वती को समर्पित धर्म है। 64 योगिनी का मंदिर, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और एमपीपीएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है।
जो कहां पर है, जबलपुर के मध्य प्रदेश में स्थित है। यहां पर शाक्त धर्म के विकास और प्रगति के प्रमाण हमें उपलब्ध होते हैं। तो जबलपुर और उसके आसपास के क्षेत्र थे, वहां पर शाक्त धर्म को मानने वाले यानी कि दुर्गा माता को मानने वाले बहुत सारे लोग और बहुत सारे शासक थे। अगर हम लोग बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता में भी आपको मातृ देवी की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। याद है आपको, मातृ देवी की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। वो मातृ देवी जो है वो दुर्गा माता को ही बताया गया है। और आप जानते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर मूर्ति के साक्ष्य मिलते हैं, यानी कि वहाँ पर हमें शैव संप्रदाय के भी साक्ष्य मिलते हैं, वहाँ पर हमें लिंग पूजा के भी साक्ष्य मिलते हैं, है ना। वहाँ पर एक मूर्ति मिली है, आप जानते हैं, वो पशुपतिनाथ के नाम से जो है, पशुपति के नाम से जो है, हमें कुछ ऐसी ही मिलती जुलती मूर्ति है। ठीक है, चलिए, तो हम लोगों ने शाक्त धर्म के बारे में बात कर ली। नेक्स्ट धर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, वो है आपका वैष्णव धर्म। जिस प्रकार से शैव धर्म काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से वैष्णव धर्म भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जाना कहीं पर नहीं है, इससे पहले हम लोग इसको पढ़ने से पहले हम लोग 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। 10 मिनट के बाद वापस मिलते हैं और हम लोग वैष्णव धर्म को, भागवत धर्म को करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग इस्लाम धर्म के बारे में बात करेंगे, कुछ ईसाई और कुछ पारसी। इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन आंसर आपको बताऊंगा, क्वेश्चन आंसर जो है आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा, जो है आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अभी आप इससे पहले देख लीजिए, यह है अपना ग्रुप, इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यह है हमारा कोड और यह है व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पर आप क्वेरी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल नहीं लगेगा इस पर। ठीक है ना, हमारी टीम आपको वापस मैसेज करेगी एडमिशन के रिगार्डिंग, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए। ये हमारा यूपीएससी डिस्कशन ग्रुप है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये है जीएस पेपर आंसर राइटिंग ग्रुप, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है, चलिए, तो ये कोड काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब भी आप टेस्ट दें या फिर एडमिशन लें अनअकैडमी के किसी भी प्लेटफॉर्म पर, अगर आप एडमिशन लेते हैं तो बीएस लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और वहां पर आपको जो है मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा इस कोड के माध्यम से। ठीक है, तो अभी हम लोग 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 10 मिनट के बाद वापस मिलते हैं। आप भी चाय कॉफ़ी जो भी आपको पीना है वो पीजिए, उसके बाद हम लोग मिलते हैं। अभी टाइम कितना हो रहा है, अभी 8:06 हो रहे हैं, हम लोग 8:16 पर वापस मिलते हैं। ये है आपका टी ब्रेक, जिससे फिर से एनर्जी आपके अंदर आ जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये 8:16 पर हम लोग वापस मिलेंगे। चलिए, ठीक है, चलिए, वेलकम बैक। क्या हालचाल हैं आप सभी लोगों के? तो आप सभी लोग तैयार हैं वैष्णव धर्म के बारे में जानने के लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको मालूम चलेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आने वाले समय में बौद्ध धर्म जो है वही जो है धीरे धीरे जो है ख़त्म हो जाता है और बौद्ध धर्म के अनुयायी वैष्णव धर्म की ओर आकर्षित हो जाते हैं। तो वैष्णव धर्म से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा जो है ध्यान से पढ़ना, और जहाँ पर मैं कहूँ कि इस पर फोकस करना है तो वहाँ पर फोकस करना। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात की जाती है भागवत धर्म की, भागवत धर्म को ही हम लोग वैष्णव धर्म के नाम से जानते हैं, भागवत धर्म हो या फिर वैष्णव धर्म हो, बात एक ही है। तो भागवत धर्म की अगर बात की जाती है तो इसकी जानकारी हमें उपनिषद से मिलती है। और भागवत धर्म का उदय कब हुआ था? मौर्योत्तर काल के बाद। मैंने आपको बताया था कि मौर्य काल के समय तक बौद्धों की प्रतिष्ठा है वो काफ़ी बढ़ चुकी थी, और आप जानते हैं किस प्रकार से अशोक ने बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर दिया था, और बौद्धों की संख्या बढ़ने से जो ब्राह्मण धर्म के लोग हैं वो काफ़ी परेशान थे और वो चाहते थे कि कैसे ना कैसे करके जो है बौद्ध धर्म का पतन हो जाए। इसके लिए उन्होंने क्या स्ट्रेटजी अपनाई, उन्होंने कहा कि विष्णु के अवतार ही हैं बुद्ध। धीरे 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 जो है बौद्ध धर्म से अनुयायी जो है शिफ्ट होने लगे वैष्णव धर्म की ओर। तो मौर्योत्तर काल से ही, यानी कि मौर्य साम्राज्य में, मौर्य वंश में ऐसा कोई मजबूत शासक नहीं था जो कि आगे चलकर जो है बौद्ध धर्म का नेतृत्व कर सके। जिस प्रकार से अशोक के समय पर तो ऐसी कोई गतिविधि नहीं हुई कि भाई बौद्धों का पतन हो जाए, लेकिन मौर्य काल के बाद सुंग वंश, जो कि ब्राह्मण वंश से संबंधित था, और आप जानते हैं उसने किसको सपोर्ट किया, उसने वैष्णव धर्म को सपोर्ट किया। तो मौर्योत्तर काल के बाद ही इस धर्म की शुरुआत होती है। क्यों शुरुआत होती है मौर्योत्तर काल के बाद? मैंने कहा था कि भाई जो भगवान बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार मान लिया गया था।
इस धर्म के संस्थापक की अगर बात की जाती है, इस धर्म के संस्थापक कौन थे, तो इस धर्म के संस्थापक थे वासुदेव कृष्ण। कृष्ण भगवान को ही इस धर्म का संस्थापक माना जाता है। तो कृष्ण जो थे वो किस जाति से, किस कुल से संबंधित थे, ये जो हैं ये यादव वंश से संबंधित थे, यादव कुल से संबंधित थे। इनका निवास स्थल कहाँ पर था, मथुरा में, जो कि आज के समय में यूपी है। ठीक है, ये बात आपको मालूम चल गई। आगे देखना, यहाँ पर छंदज्ञ उपनिषद है। छंदज्ञ उपनिषद में सबसे पहले हमें भागवत धर्म के बारे में जानकारी मिलती है, सबसे पहले हमें कृष्ण के बारे में जानकारी मिलती है, सबसे पहले हमें कृष्ण के जितने भी क्रियाकलाप हैं उसके बारे में जानकारी मिलती है। हमें मालूम चलता है कृष्ण की माता कौन थी। कृष्ण की माता जो थी वो देवकी थी, ठीक है ना। और इनको जो है ऋषि घोर अंगिरस का शिष्य जो है बताया जाता है। इसके बाद आप ध्यान रखना, वासुदेव कृष्ण का प्रारंभिक अभिलेख जो है इस अभिलेख में जो है हमें जानकारी मिलती है। ये प्रारंभिक अभिलेख, ये पुरातात्विक साक्ष्य, ये ध्यान रखना, गरुड़ स्तंभ। आप मुझे ये बताओगे गरुड़ स्तंभ कहाँ पर है, पहला क्वेश्चन। दूसरा ये है, गरुड़ स्तंभ की स्थापना किसने की थी, ये आपको बताना है। क्लियर है। तो गरुड़ स्तंभ जो कि बेस नगर, अब आप बोलोगे बेस नगर तो है ही नहीं है, तो विदिशा को, जो कि मध्य प्रदेश में है, विदिशा को ही बेस नगर के नाम से हम लोग जानते थे। बेस नगर में गरुड़ स्तंभ में सबसे पहले वासुदेव कृष्ण के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, तो पुरातात्विक साक्ष्य भी अवेलेबल हैं जिसके माध्यम से हमें भागवत धर्म, वैष्णव धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। हालांकि हमें ऐसे कोई पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं कि जिससे मालूम चले कि कृष्ण भगवान का शासन था या फिर ये था, जिस प्रकार से हमें मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है, जिस प्रकार से हमें शुंग वंश के बारे में, कण्व वंश के बारे में, लेकिन हमें इनके बारे में कोई स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं मिलती है। और जो भी साहित्यिक स्रोत हैं वो साहित्यिक स्रोत अतिशोक्तिपूर्ण हैं, जिस पर विश्वास करना थोड़ा सा मुश्किल है आज साइंस के ज़माने में। ठीक है, चलो ठीक है। भागवत धर्म की हम लोग बात करते हैं तो ये किसकी पूजा करते थे, ये प्रमुख रूप से सूर्य की पूजा करते थे। ठीक है, किसकी पूजा करते थे, सूर्य की पूजा। और भागवत धर्म का सिद्धांत जो है वो भगवत गीता में निहित है। भगवत गीता में नियम, कायदे, कानून और जन्म, मरण, मोक्ष, आत्मा, भगवान, इन सब के बारे में जो है बात की गई है। भगवत गीता अगर आपको जो है कभी टाइम मिले तो आप पढ़ना, बहुत ही शानदार है, बहुत ही अल्टीमेट है। आपको जीवन के बहुत सारे रहस्यों के बारे में आपको मालूम चलेगा। अगर आपके जीवन में दुख है तो एक बार भगवत गीता जरूर पढ़ें, ठीक है ना। महाभारत काल में कृष्ण का तादात्म्य विष्णु से किया जाने लगा। तो कुल मिलाकर क्या है, आगे आने वाले समय में जो वैष्णव धर्म कहलाया जाएगा, वो पुराना नाम क्या था इसका, भागवत धर्म। भागवत धर्म ही कुल मिलाकर वैष्णव धर्म है, यानी कृष्ण का तदात्मय विष्णु से किया जाने लगा और भागवत धर्म जो है उसका नाम अब वैष्णव धर्म कहा जाने लगा। ठीक है, मेगास्थनीज, ये मेगास्थनीज जो है ये आप जानते हैं यूनानी शासक है मेगास्थनीज। ठीक है, ये मेगास्थनीज है, ये मेगास्थनीज जो है तुलना करता है अपने भगवान से। यूनानी एक भगवान है हेराक्लिस, ये भी क्या है, यूनानी लोग मानते हैं कि हेराक्लिस जो है ये संसार का निर्माण करता है, इस संसार का संरक्षक करता है, इस संसार को जो है विनियामक करता है। उसी प्रकार से हमारे हिंदू धर्म में, वैष्णव धर्म में कृष्ण को जो है पालनकर्ता, संहारकर्ता और विनियामक करता मानते हैं। तो मेगास्थनीज ने हेराक्लिस से कृष्ण की क्या की है, तुलना की है। क्लियर है। तो कहा जाता है कि मेगास्थनीज बोलता है कि हमारे देश में जो है ना, मैं वो हेराक्लिस वही है आपकी कृष्ण भगवान, कोई अलग थोड़ी है, नाम बस आपने कृष्ण भगवान रख दिया है उनका, और कुछ नहीं है। ये हैंग कर गया है थोड़ा सा, हैंग क्यों कर गया पता ही नहीं है, थोड़ा सा बाहर निकलते हैं इससे। हो हाँ, आगे देख लीजिए, हो गया ये। इसी प्रकार से हम लोग बात करते हैं जैन ग्रंथ। जैन ग्रंथ में भी हमें ये भागवत धर्म है, वैष्णव धर्म है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। यहाँ पर जैन धर्म ग्रंथ है उत्तराध्ययन सूत्र। जितने भी
लास्ट में सूत्र लगे हैं ना साहित्यिक सूत्रों में, तो वो जैन धर्म से ही संबंधित हैं। तो उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव, जिन्हें केशव नाम से भी पुकारा गया, कृष्ण भगवान के बहुत सारे नाम हैं, ठीक है ना, आपको भी पता होगा। और यहाँ पर 22वें तीर्थंकर जो थे जैन धर्म के, अरिस्टेनेमी को कृष्ण भगवान का समकालीन बताया गया है। तो आप समझिए जैन धर्म कितना पुराना है या फिर नहीं है, है कि नहीं है, ठीक है ना। और मैं क्या कहा था, जो आपके 23वें और 24वें तीर्थंकर हैं, इनके बारे में हमें स्पष्ट रूप से जानकारी मिलती है साहित्यिक स्रोत के माध्यम से और पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से, लेकिन इसके पहले के जितने भी तीर्थंकर हैं उसके बारे में हमें आधी अधूरी जानकारी मिलती है। और जो भी हमें जानकारी मिलती है वो अतिशोक्तिपूर्ण लगती है। कैसी लगती है? अतिशोक्तिपूर्ण हमें लगती है। ऐसा लगता है कि शायद ये सब फेंकने हवाबाजी हो। ये थोड़ा सा फिल्टर का यहाँ पर जो है वो लग गया है, इसको हटाना पड़ेगा, हट गया ना, हट गया। चलो ओके, चलो ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया है कि 22वें तीर्थंकर जो थे अरिस्टेनेमी, ये समकालीन थे किसके? भगवान कृष्ण के, ठीक है। आप एक बात और ध्यान रखना, आपसे शायद ये वाला क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि 22वें तीर्थंकर किस भगवान के समकालीन थे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर जो है यूपीएससी में पूछ लिए जाते हैं। तो ध्यान रखना अरिस्टनेमी, ठीक है। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किस में किया गया है? मत्स्य पुराण में। मत्स्य पुराण काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप मुझे बताओ कि मत्स्य पुराण किस राजवंश के बारे में हमें जानकारी देता है, ठीक है? मौर्य वंश के बारे में, गुप्त वंश के बारे में, सातवाहन के बारे में, किस वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है? अगर हम लोग विष्णु भगवान के 10 अवतार के बारे में बात करते हैं, तो 10 अवतार में मत्स्य, कुर्म यानी कि कक्षप यानी कि जो कछुआ होता है, वराह यानी कि सुअर, नरसिंह यानी कि आधा नर और आधा सिंह, वामन, परशुराम, राम, इसके बाद बलराम और इसके बाद बुद्ध। आप देख सकते हैं ना, इनको जो है बुद्ध को वैष्णव का, विष्णु का अवतार बता दिया, इसीलिए सारे के सारे जो लोग हैं वो किसकी ओर आकर्षित हुए? वैष्णव धर्म की ओर आकर्षित हुए। और 7वीं, 8वीं और 9वीं शताब्दी के मध्य में वैष्णव धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई और बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं उनकी संख्या बहुत ही कम हो गई। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं विष्णु के 12 अवतार, विष्णु के जो अवतार हैं उसमें से वराह अवतार जो है ये काफ़ी लोकप्रिय है। क्यों लोकप्रिय है? आप जानते हैं ना किस प्रकार से पृथ्वी को इन्होंने जो है समुद्र से बाहर निकाला था, इस प्रकार की जो कथाएं हैं, एग्जैक्टली मुझे मालूम नहीं है कि कौन सी कथा है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। कुछ ऐसा ही है, पृथ्वी को शायद अपने जो आपके दांत होते हैं उसके बीच में उठा कर ले आते हैं, लेकिन मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि क्या स्टोरी है उसकी। तो वराह का जो प्रथम उल्लेख है वो हमें ऋग्वेद में मिलता है। और आप ध्यान रखना, दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का जो प्रचार है ना वो बहुत ज़्यादा जो था प्रचलित था। मैंने क्या कहा था, शैव धर्म और वैष्णव धर्म, ये दो ही धर्म थे दक्षिण भारत में। 9वीं शताब्दी और 8वीं शताब्दी के मध्य में आते आते दक्षिण भारत में या तो वैष्णव धर्म को सपोर्ट करते थे या फिर शैव धर्म को सपोर्ट करते थे। ऐसे बहुत सारे साक्ष्य मैंने आपको बताए थे, मैंने ऐसे बहुत सारे आपको मंदिर बताए थे जिससे समझ में आता है कि वहाँ के जो राजा थे और वहाँ की जो जनता थी वो वैष्णव और शैव धर्म को सपोर्ट करती थी। वैष्णव धर्म का विस्तार अलवर संतों ने किया। किसने किया? अलवर संतों ने किया। और इनकी संख्या कितनी थी? 12। तो दक्षिण भारत में अगर बात की जाती है कि किस संतों ने वैष्णव धर्म को प्रचारित किया, प्रसारित किया, तो वो थे आपके कौन से? वो थे आपके अलवर संत, जिनकी संख्या कितनी थी? 12। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसके बाद मैं कुछ आपको, मैं डर गया यार एकदम से, इसके बाद कुछ और मैं आपको टेबल बताने वाला हूँ, उसको आपको ध्यान में रखना है। इन संप्रदायों के बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बस आपको इनके संस्थापक के बारे में याद होना चाहिए, सफिशियंट है। शैव और वैष्णव, ये दो धर्म आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे, इसलिए मैंने आपको शैव धर्म पढ़ाया, उसके टाइप पढ़ा है, शाक्त धर्म के बारे में भी मैंने आपको बताया और वैष्णव धर्म के बारे में भी मैंने आपको बताया। एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। यहाँ पर ध्यान रखना, इन संतों में आंडाल नामक महिला संत भी थी और दक्षिण की मीरा इनको कहा जाता है, ठीक है ना। ये किससे संबंधित थी? ये वैष्णव धर्म से संबंधित थी। आपसे पूछ लिया जाएगा कि दक्षिण की मीरा किसको कहा जाता है, तो आप क्या बताओगे?
दक्षिण की मीरा किसको कहा जाता है, तो आप क्या बताओगे, बताइए। दक्षिण की मीरा किसको कहा जाता है, याद रखना क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब मैं कुछ आपको टेबल बता रहा हूं, इन संप्रदायों के बारे में तो हम लोग पढ़ेंगे नहीं, लेकिन बस आप इनके संस्थापक के नाम ध्यान रखना और इनका मत जो है ना ये भी ध्यान रखना। हालांकि ये जो मत है ना इसे हम लोग फिलॉसफी में पढ़ते हैं, चूंकि आप फिलॉसफी के स्टूडेंट नहीं हो तो बस मत का नाम ध्यान रख लेना आप। रामानुज की हम लोग बात करते हैं, रामानुज लगभग 12वीं शताब्दी के मध्य में आए थे और इन्होंने जो है विशिष्ट द्वैतवाद मत का प्रचलन किया। जिस प्रकार से शंकराचार्य थे, एक बार बस ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा मुझे मालूम है क्योंकि आप फिलॉसफी के स्टूडेंट नहीं हो, थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। शंकराचार्य ने क्या कहा था, शंकराचार्य ने कहा था ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मो ना परा, यानी कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव मूलतः ब्रह्म ही है। यानी कि उन्होंने क्या किया कि एक ईश्वर है बस वही है, इस संसार में किसी का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। मन और शरीर दोनों इसी का ही अंश है, मन और शरीर इसी का ही अंश है, मन और शरीर नाम की कोई चीज नहीं होती है, क्लियर है, फिलॉसफी की चीज है। लेकिन ये क्या बोलते हैं कि हाँ मैं मानता हूं कि ब्रह्म ही सत्य है, ये रामानुज बोलते हैं, लेकिन मन और ये शरीर है ये दोनों इसके अंग हैं लेकिन पृथक हैं, पृथक हैं, एक नहीं है। जबकि शंकराचार्य ने क्या बोला था कि मन शरीर जीव जंतु सब के सब जो हैं आपके किसका अंश है, सारे के सारे जो है आपके ब्रह्म, इसलिए तो बोलते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मो ना परा, अतः ब्रह्म ही सत्य है, जगत ये सारी जो जगत है ना संसार आप देख रहे हो ये मिथ्या है, ये ब्रह्म है और जीव जीव यानी कि आप और प्राणी ये मूलतः ब्रह्म ही हैं, ठीक है। लेकिन रामानुज ने शंकराचार्य के मत का विरोध किया और अपने नए मत का प्रतिपादन किया, इसी को हम लोग विशिष्ट द्वैतवाद के नाम से जानते हैं। विशिष्ट द्वैतवाद का मतलब आप समझिए, ये दो है ना, एक तो ब्रह्म को मानते हैं और एक मन और शरीर को मानते हैं, ठीक है ना, मतलब दो की सत्ता हो गई यहां पर, ठीक है। ये वैष्णव धर्म के ही सपोर्टर थे, ठीक है ना। ऐसे ही फिलॉसफी में बहुत सारी बातें हैं जो काफी इंटरेस्टिंग है, समझने वाले समझ जाते हैं और नहीं समझने वाले नहीं समझ पाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं माध्वाचार्य की, ये 13वीं शताब्दी के संत थे, ये भी द्वैतवाद से संबंधित थे। अब द्वैतवाद में आपको नहीं पढ़ाऊंगा, है ना, ये मन शरीर बस इसी पे बात चलती रहेगी और अपने मत को देते रहेंगे। इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना करी। इसके बाद निम्बकाचार्य आते हैं, ये 13वीं शताब्दी में, ये द्वैतवाद की स्थापना करते हैं, ये मन शरीर के बारे में कुछ अलग ही फिलॉसफी निकालेंगे और इन्होंने जो है सनक संप्रदाय की स्थापना की थी। इसके बाद आता है रुद्र संप्रदाय, इसने शुद्ध द्वैतवाद जो है मत की स्थापना की थी और ये हैं वल्लभाचार्य लगभग 15वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य में। एक बात और ध्यान रखना, आपसे इनकी टाइमलाइन भी पूछ सकता है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया, इसीलिए मैंने आपको 12वीं 13वीं और 15वीं और 16वीं शताब्दी, ठीक है ना, आपसे पूछ सकता है कि इनको जो है बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में लगाइए। तो रामानुज सबसे पहले, रामानुज से पहले कौन थे, वो थे शंकराचार्य। तो इनके बारे में सिर्फ और सिर्फ आपको बस ये याद रखना है इनका मत क्या था और इनका प्रमुख संप्रदाय क्या था, यूपीएससी में आपको मैचिंग में पूछ लेगा ये, ठीक है, ओके, रखोगे ना याद। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है आप सभी लोगों के लिए, हम बात करेंगे शंकराचार्य की, क्योंकि शंकराचार्य जिसको हम लोग 8वीं और 9वीं शताब्दी में काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति मानते हैं, इन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार में काफ़ी काम किया, इन्होंने जो है मठ वठ की भी स्थापना करी थी, ठीक है। इनका नाम इतिहास में बहुत ही इज्जत से लिया जाता है वैष्णव धर्म में। तो शंकराचार्य का जन्म जो है वो 788 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु इनकी कहाँ पर हुई थी, 820 में। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था, केरला में इनका जन्म हुआ था और इनके बारे में मत है कि 5 साल की कम उम्र में ही इन्होंने सारे के सारे जो वेद थे उनका ज्ञान ग्रहण कर लिया था और बहुत ही कम उम्र में इन्होंने संन्यास धारण कर लिया था। अपनी माता के ये एकमात्र पुत्र थे, इकलौता पुत्र होने के नाते उनकी माता घबरा गई कि भाई संन्यास लेने के बाद मेरा कौन साथ देगा, लेकिन ये तो जिद्दी इंसान थे, इनका तो टारगेट ही अलग था। तो इन्होंने अपना पूरा जीवन वैष्णव धर्म के, वैष्णव संप्रदाय के प्रचार प्रसार में लगा दिया।
ध्यान रखना, शंकराचार्य का जन्म जो है 788 और मृत्यु 820 में हुई थी। इन्होंने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। अद्वैतवाद क्या बोलता है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या और जीवो ब्रह्मो नापर, यानी कि ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है और जीव मूलतः ब्रह्म ही है। इन्होंने वैष्णव धर्म की स्थापना के लिए और वैष्णव धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पूरे भारत देश में 4 मठों की स्थापना करी। यानी कि आप समझ लीजिए, धार्मिक रूप से इन्होंने पूरे भारत को जो है क्या किया, एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया, एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास किया। अगर आप इनके मठों को इस प्रकार से मिलाओगे ना मैप में, तो एक चतुर्भुज बनेगा, समझ जाइए आप। तो भाई इस प्रकार से चतुर्भुज बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं है यार, एग्जैक्टली चतुर्भुज बनता है। आप ऊपर से देखोगे मैप में, एग्जैक्टली चतुर्भुज बनेगा इनके मठों को आप मिलाओगे, ठीक है। तो पता नहीं भाई कि इन्होंने दूरबीन से या फिर सैटेलाइट के माध्यम से अंतरिक्ष से देख लिया हो कि भाई यहाँ यहाँ जो है हमें मठ की स्थापना करना है, तब जाकर चतुर्भुज बनेगा। तो धार्मिक रूप से एकता के सूत्र में बांधने के लिए और वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने 4 मठ की स्थापना करी थी। अगर हम लोग पूर्वी क्षेत्र की बात करते हैं, जो कि जगन्नाथपुरी यानी कि जो उड़ीसा में है, इसे हम लोग गोवर्धन मठ के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग पश्चिम की बात करते हैं यहाँ पर, तो ये पश्चिम भारत में द्वारका नाम सुना होगा, इसे हम लोग शारदा मठ के नाम से जानते हैं। इसके अलावा उत्तर भारत में ज्योतिषपीठ का नाम सुना होगा इसको, ये बद्रिकाश्रम भी है। इसके अलावा दक्षिण भारत में जो वेदांत मठ है, ये श्रृंगेरी के नाम से भी जाना जाता है इसको, ओके। तो ये चारों के चारों जो मठ हैं उसकी हम लोगों ने बात कर ली। इन मठों की स्थापना क्यों हुई थी? धार्मिक रूप से एकता के सूत्र में पूरे भारत देश को मतलब जो है जोड़ना था, बांधना था, और पूरे भारत देश में जो है वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार करना था, जिससे कि भारत का प्रमुख धर्म बन जाए वैष्णव धर्म। और हाँ, ऐसा ही हुआ, पूरे भारत देश में वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। या तो वैष्णव धर्म होंगे या फिर शैव धर्म होंगे। रही बात बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म का पतन हमारे भारत देश से हो चुका था, लेकिन बौद्ध धर्म जो है जिंदा रहा, कहाँ पर? चाइना में। कहाँ पर रहा? जापान में। इसके अलावा जो आपके साउथ ईस्ट के जो आपके राज्य वो देश हैं, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, म्यांमार, वहाँ पर जो है ये जिंदा रहा। हमारे भारत देश में पतन क्यों हुआ जानते हैं ना? इसके पीछे रीज़न आप सभी लोगों को मालूम है, ओके। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद अन्य धर्म की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले आता है इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म के बारे में थोड़ी बहुत हम लोग बात कर लेते हैं। इस्लाम धर्म काफ़ी महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत जो है जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना होती है, थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। इस्लाम धर्म की हम लोग बात करते हैं, तो ये एकेश्वरवादी धर्म है, यानी कि एक ही ईश्वर की सत्ता को मानते हैं। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में आप जानते हैं कि कितने सारे देवी देवता हैं, करोड़ों की संख्या है इनकी। तो करोड़ों की संख्या में हमारे धर्म में ईश्वर हैं। आप किसी की भी आराधना करो, आप किसी की उपासना करो, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही भगवान है, वो है आपका अल्लाह। बस उसी की ही आपको आराधना करनी है, उसके अलावा आपको किसी की भी आराधना करने का अधिकार नहीं है। इस्लाम धर्म के संस्थापक की हम लोग बात करते हैं, तो वो थे आपके मोहम्मद साहब, और लगभग 570 से 632 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। और 570 से 632 ईस्वी तक जो है ये इनका रहा था, मतलब 570 में इनकी जन्म हुआ था और 632 में इनकी मृत्यु हो चुकी थी, ठीक है। हम लोग बात करते हैं प्रमुख ग्रंथ, सभी लोग जानते हैं, बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि इनका जो प्रमुख ग्रंथ है वो कुरान है। और हज़रत मोहम्मद साहब को 610 में ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनको एक गुफा में से जो है आवाज़ आती रहती थी, ठीक है। ये गए गुफा में, और गुफा में बहुत सारे उपदेश, बहुत सारी चीज़ें इनको पता चली, और तभी से ये मोहम्मद पैगंबर साहब जो हैं वो इस्लाम धर्म के क्या बन गए, प्रमुख बन गए। और इस्लाम धर्म के जो भी उपदेश जो गुफा से उन्होंने सुने थे, उनका प्रचार प्रसार करने लगे, ठीक है। और आप ध्यान रखना, 622 ईस्वी में पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम जगत में किस नाम से जानते हैं, हिजरी संवत के नाम से जानते हैं। जब मक्का से मदीना उन्होंने यात्रा की थी, तभी इस्लाम धर्म में जगत में इसे हिजरी संवत के नाम से जानते हैं। लगभग 622 ईस्वी की हम लोग बात करते हैं। मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया।
इन्होंने जो भी गुफाओं में से जो चीज़ें सीखी थी उन्होंने कुरान में इन सभी चीज़ों को लिख दिया और सबको बांट दिया। अब जितने भी इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग थे अब वो इन शिक्षाओं को ग्रहण कर कर आगे बढ़ने लगे और अपने जीवन को जीने लगे। मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई और इसके बाद जो है दो संप्रदायों में, दो पंथों में मुस्लिम धर्म बढ़ गया। एक थे आपके सुन्नी और एक थे आपके सिया। अब आप बोलोगे सर सिया और सुन्नी कौन थे? और ये जो लड़ाई है ना वो आज तक चली हुई आ रही है। आप देख सकते हैं इराक में, ईरान में जो भी आंतरिक संघर्ष चलता है और सऊदी अरेबिया में जो आंतरिक संघर्ष चलता है उसमें सिया और सुन्नी विवाद जो है वो भी एक प्रमुख मुद्दा है। और जो आईएसआईएस का गठन हुआ था उस गठन का उद्देश्य भी कहीं ना कहीं सिया और सुन्नी विवाद से ही जुड़ा हुआ था। क्लियर है? तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि सिया कौन थे, सुन्नी कौन थे। सुन्नी उन्हें कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास करते थे, यानी कि मोहम्मद साहब ने जो भी काम किए, जो भी उपदेश दिए उनको ये मानते हैं। किसको मानते हैं? मोहम्मद साहब को मानते हैं। सिया कौन है? सिया हजरत अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं, ठीक है ना। और मोहम्मद जो आपके वो हैं, मोहम्मद साहब हैं, उनका वैद्य उत्तराधिकारी किसको मानते हैं? अली को मानते हैं, ठीक है ना। हजरत अली मोहम्मद साहब के कौन थे? दामाद थे, ठीक है। सुन्नी जो हैं वो अली मोहम्मद साहब अली को नहीं मानेंगे, ठीक है ना। वो केवल और केवल बोलेंगे कि हम तो मोहम्मद साहब के उपदेश को ही मानेंगे, उनकी शिक्षाओं को ही मानेंगे, हम लोग अली वली किसी को नहीं मानते हैं। और सिया जो हैं वो किस पर विश्वास करते हैं? उनके दामाद। और बोलते हैं कि मोहम्मद पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी कौन हैं? उनके दामाद ही हैं। और आगे आने वाले समय में हम इनके आदेश, उपदेश और इनकी शिक्षाओं को ही मानेंगे। तो पूरा मुस्लिम जगत जो है वो दो पंथ में डिवाइड हो गया। एक है आपका सुन्नी और एक है आपका कौन? सिया। आगे आने वाले समय में पैगंबर मोहम्मद साहब का जो उत्तराधिकारी होता है उसको खलीफा के नाम से जाना गया। आप जानते हैं खलीफा जो है ये राजनैतिक और धार्मिक प्रमुख हुआ करता था। कोई भी इस्लामिक राजा जैसे कि हम लोग मोहम्मद गौरी की बात कर लें, मोहम्मद गजनबी की बात कर लें, और इल्तुतमिश का तो नाम आपने सुना होगा ना। इल्तुतमिश ने अपनी वैधता खलीफा से ही तो धारण की थी, खलीफा से ही तो पत्र। तो आप समझ सकते हैं कि खलीफा की कितनी चलती थी वहाँ। खलीफा ने बोल दिया कि भाई इस वंश का ये वैद्य शासक है, ठीक है ना, तो उसी को मान लिया जाएगा। पूरे मुस्लिम जगत में खलीफा की बातों को काटने वाला कोई नहीं था। और खलीफा पद की समाप्ति कब होती है याद कीजिए? खिलाफत आंदोलन। हाँ, याद है ना, खिलाफत आंदोलन हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था जिसमें खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया था। क्लियर है? इसी की वजह से तो जो है हमारे भारत देश में खिलाफत आंदोलन हुआ था। तो खलीफा, अगर आपसे पूछा जाए कि खलीफा कौन होते हैं तो आप ध्यान रखना, बता देना कि खलीफा जो हैं मुस्लिम जगत के राजनीतिक और धार्मिक प्रमुख होते हैं, ठीक है ना। इनके जो आदेश हैं वो मुस्लिम जनता के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। मैंने आपको बताया था खलीफा पद 1924 तक रहा था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद खलीफा पद की समाप्ति हो चुकी थी। इसके बाद जो तुर्की का शासक है कौन? मुस्तफ़ा कमाल पाशा, इसने इसको समाप्त कर दिया। और टर्की जो खलीफा का प्रमुख केंद्र हुआ करता था और टर्की मुस्लिम जगत में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, अब मुस्तफ़ा कमाल पाशा यूरोपियन सभ्यता के अनुसार टर्की की व्यवस्था को स्थापित करेंगे, यानी कि आधुनिक युग की शुरुआत होती है टर्की की। क्लियर है? ओके। और मुस्लिम जगत को ये पसंद नहीं आएगा। मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर जो है मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। कौन सा? मिलाद उन नबी। अब ध्यान रखना, अगर हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले हमारे भारत देश में इस्लाम धर्म कब आया था, तो सबसे पहले हमारे भारत देश में अरबियों के जरिए इस्लाम धर्म का आगमन हुआ था। इसके बाद अरब आए, फिर तुर्की आए, फिर इसके बाद मुग़ल आए, इसके बाद अफ़गान वगैरह ये सब लोग आए, और लगातार जो है हमारे भारत देश में क्या है, तुर्की, अरबियों का और अफ़गानों का शासन हुआ और पूरे हमारे भारत देश में मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। एक बहुत बड़ी जनता जो है मुस्लिम धर्म को मानती थी। इन्होंने तलवार के बल पर जो है हमारे हिंदू लोगों को मुस्लिम बनाया, ठीक है। आप जानते हैं किस प्रकार से सिंध पर आक्रमण करके सबसे पहले जो है इन्होंने वहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। ये सभी बातें तो हम लोग वैसे भी पढ़ चुके हैं। इसके आगे हम लोग बात करते हैं ईसाई धर्म।
जो भी महत्वपूर्ण और बेसिक बातें थी इस्लाम धर्म से संबंधित वो मैंने आपको बता दी, बस इतना ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ईसाई धर्म की हम लोग बात ईसाई धर्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो ईसाई धर्म जो है ये क्या है, एकेश्वरवादी है। ये भी बोलते हैं कि भाई ईश्वर एक ही है, जिस प्रकार से हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवताओं के अस्तित्व को मानते हैं, इसी प्रकार से ईसाई धर्म में केवल और केवल एक ही कौन है, ईश्वर है। वो कौन है, ये सूली पे चढ़े हुए जो आपके जीसस हैं वही हैं, ठीक है ना। लेकिन ईसाई लोग ईश्वर को त्रिएक के रूप में समझते हैं, एक तो परमपिता परमेश्वर है, एक उनके पुत्र कौन है, ईसा मसीह है, और एक है आपकी पवित्र आत्मा। ये तीनों की स्टोरी है कुछ, उस स्टोरी को मैं नहीं सुनाऊंगा क्योंकि आपके कोई मतलब की नहीं है। ओके ओके चलो ठीक है, आगे और क्या महत्वपूर्ण बात है। आपने क्रिसमस तो सुना होगा, क्रिसमस की छुट्टी का वो बहुत एंजॉय किया होगा, और हमारे भारत देश में भी जो है क्रिसमस बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि हमारी जो जनता है वो ईसाई धर्म नहीं फॉलो करती है, बहुत कम है, बहुत कम ही लोग हैं, लेकिन क्रिसमस पूरे भारत देश में बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। ईसा मसीह के जन्मदिन को ही क्रिसमस के रूप से मनाया जाता है। ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र थे, मैंने कहा ना परमेश्वर, परमेश्वर के पुत्र थे ईसा मसीह, इसलिए उनका जन्म जो है कुंवारी मरियम के गर्भ से हुआ था। यानी कि जो उनकी माता थी वो कुंवारी थी, और वो परमेश्वर, वो स्टोरी है, मैं स्टोरी नहीं सुनाऊंगा, कोई मतलब नहीं है उस स्टोरी को सुनाने से, ठीक है। आगे आप देख लीजिए, इन्होंने जो है 30 वर्ष तक अपने जीवन में एक बड़ाई के रूप में काम किया। हमारे भारत देश में इन बड़ाई को क्या है, शूद्रों की श्रेणी में रखा जाता है। और किस प्रकार से एक बड़ाई ईश्वर बन जाता है, लेकिन हमारे भारत देश में लगता है आपको कि एक शूद्र जाति में जन्मा हुआ कोई भी आपका वो हो, नागरिक हो, उसे ईश्वर की संज्ञा दी जाएगी। यानी कि आप ये भी समझ लीजिए कि ईश्वर ने भी कहीं ना कहीं जो है धोखा किया है शूद्रों के साथ। यार एक दो ईश्वर अगर शूद्र जाति में पैदा हो जाते तो मेरे हिसाब से शूद्रों की स्थिति क्या होती, अच्छी हो जाती ना। लेकिन सारे के सारे ईश्वर ने क्या किया, क्षत्रिय धर्म में जन्म लिया या फिर ब्राह्मण धर्म में जन्म लिया, है ना। शूद्र जाति में किसी ने भी जन्म नहीं लिया, क्लियर है। या फिर हो सकता है कि मनगढ़ंत कहानियाँ हों, वो सब छोड़ो, लेकिन आप यहाँ पर समझिए कि ये जो थे आपके ईसा मसीह, ये बड़ाई के रूप में 30 वर्ष तक काम कर रहे थे। इसके बाद जो है इन्होंने बैतल हैम के निकट जो है अपना समय बिताया, ठीक है। आगे चलकर आप ध्यान रखना कुछ छोटी मोटी बातें हैं। ईसाई धर्म के बहुत सारे संप्रदाय हैं, मैंने आपसे कहा था कुछ लोग आपके रूढ़िवादी हैं और कुछ लोग आपके आधुनिक विचारधारा वाले हैं। जो प्रोटेस्टेंट होते हैं वो आधुनिक विचारधारा वाले होते हैं, और ये कैथोलिक होते हैं ये कौन होते हैं, ये होते हैं आपके रूढ़िवादी। जिस प्रकार से हमारे भारत देश में बहुत सारे रूढ़िवादी लोग हैं, है कि नहीं है, और कुछ आधुनिक विचारधारा वाले लोग हैं। तो इसी प्रकार से बहुत सारे संप्रदाय में चेंज कन्वर्ट हो गया, और प्रोटेस्टेंट आपको अमेरिका में मिलेंगे, कैथोलिक आपको जो है स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन में आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। कैथोलिक जो है ये बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं, और ये स्वतंत्र विचारों वाले होते हैं। आप ध्यान रखना, मैंने आपको कुछ पुनर्जागरण पढ़ाया था विश्व इतिहास में, मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग आधुनिक विचारों से काफ़ी ओतप्रोत थे, ठीक है ना, और वो पोप की बातों को स्वीकार नहीं करते थे। तो इन लोगों को क्या किया, देश निकाला दे दिया गया, और इनको अमेरिका में भेज दिया गया, और इन लोगों ने अमेरिका राष्ट्र है उसका निर्माण किया, जंगलों को काटा, काफ़ी मेहनत की, और वहाँ पर कृषि की स्थापना करी, उद्योग धंधे की स्थापना करी, ठीक है ना। तो अमेरिका राज्य में इसीलिए प्रोटेस्टेंटों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ये आपके मेन धर्म हैं, इसके अलावा ऑर्थोडॉक्स, मोरनी, है ना, एवेंजेलिक, ये भी आपके जो हैं कुछ आपके संप्रदाय हैं। इसके अलावा रोमन कैथोलिक संप्रदाय के लोग मानते हैं कि वेटिकन स्थित पोप ईसा मसीह के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी हैं। आपने देखा होगा ना, इटली है, इटली में जो आपका यहाँ पर वेटिकन सिटी है, बहुत छोटी सी सिटी है, ये जो हैं क्या हैं, मसीहा के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी हैं, जो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है पवित्र स्थान है इसको माना जाता है। और मैंने आपको जब इटली का एकीकरण पढ़ाया था तब मैंने आपको ये इसके बारे में, वेटिकन सिटी के बारे में बताया भी था। हालांकि हम लोग विश्व इतिहास में नहीं हैं तो आगे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। प्रोटेस्टेंट संप्रदाय से जुड़े लोग जो हैं पोप की सर्वोच्च शक्ति को नहीं मानते हैं,
प्रोटेस्टेंट संप्रदाय के लोग जो हैं वो पोप की शक्ति को क्या नहीं मानते हैं, सर्वोच्च नहीं मानते। क्यों नहीं मानते हैं? मैंने कहा था आध्यात्मिक और आधुनिक विचारधारा वाले लोग हैं, खुले विचार वाले लोग हैं, रूढ़िवादी चीज़ों को नहीं मानते हैं, जो उन्हें लगता है वही मानते हैं। वो बोलते हैं भाई ईश्वर है, अच्छी बात है, हम लोग भी ईश्वर को मानते हैं, ठीक है ना। ईश्वर जो है कर्म पर विश्वास करता है, ये पूजा पाठ ये फालतू का जो दिखावा करते हैं उस पर विश्वास नहीं करता है। अगर उस पर विश्वास ईश्वर करता है तो ईश्वर की संज्ञा हम लोग उसको नहीं देंगे। ईश्वर जानता है कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, क्या आप पूजा पाठ करो और आपके मन में कुछ और चल रहा है, क्या ईश्वर समझ नहीं पाएगा? तो प्रोटेस्टेंट लोग कुछ इसी प्रकार के थे। प्रोटेस्टेंट लोग जो हैं वो वेटिकन सिटी का जो पोप है उसकी सर्वोच्चता को नहीं मानते हैं। उनका दृष्टिकोण काफ़ी उदार है, वो धार्मिक रूप से काफ़ी उदार होते हैं, वो सहिष्णु होते हैं, असहिष्णु नहीं होते। आप जानते हैं मुस्लिम धर्म के लोग काफ़ी असहिष्णु लोग हैं। किस प्रकार से आईएस ग्रुप का जो है गठन हुआ, किस प्रकार से इन लोगों ने जो है लॉन वॉल्फ अटैक किया, किस प्रकार से ये माइंड वॉश करते हैं, तो ये सभी चीज़ें हैं। लेकिन ये प्रोटेस्टेंट लोग जो हैं ये क्या करते हैं, ये उदार टाइप के लोग हैं। लेकिन कैथोलिक आप जानना, कैथोलिक काफ़ी रूढ़िवादी हैं और ये लोग इस्लाम धर्म का काफ़ी जो है विरोध करते हैं, ठीक है। भारत में ईसाई धर्म की प्रचार की हम लोग बात करें, कौन हमारे भारत देश में आए थे, तो हमारे भारत देश में संत थॉमस आए थे, ये चेन्नई आकर बस गए और चेन्नई में आकर इन्होंने जो है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। आप जानते हैं चेन्नई में काफ़ी अधिक मात्रा में ईसाई धर्म के लोग रहते हैं, ये काफ़ी पढ़े लिखे हैं और साक्षरता दर की अगर बात की जाती है, भारत की सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ पर है, केरल में है, ठीक है। और ईसाई धर्म का जो पवित्र चिन्ह है वो क्रॉस है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है ना। एक मैं धर्म ग्रंथ की बात करूंगा आपको, न्यू टेस्टामेंट। ये न्यू टेस्टामेंट जो है ये बाइबल जो है वो ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक है। न्यू टेस्टामेंट है ये बाइबल धर्म का अंतिम खंड है, अंतिम पार्ट आप इसको समझ सकते हैं। ये ईसा मसीह की वाणी है, यानी कि ईसा मसीह जो बाद में थे उन्होंने जो है उपदेश दिए थे, इसी को न्यू टेस्टामेंट में लिपिबद्ध कर लिया गया। इन्होंने क्या कहा, जिसमें उन्होंने ईश्वर से प्राप्त ज्ञान को व्यक्त किया, यानी कि ईश्वर यानी कि जो परमपिता परमेश्वर हैं उन्होंने जो भी इनसे कहा उनको इन्होंने जो है न्यू टेस्टामेंट में लिख दिया, लिपिबद्ध कर दिया। न्यू टेस्टामेंट का मतलब ये नहीं है कि ओल्ड टेस्टामेंट का विरोध किया जाए, ऐसा नहीं है। यानी कि न्यू टेस्टामेंट के माध्यम से जो आधुनिक विचार हैं उनको प्रेषित किया गया, ठीक है ना। ईसा मसीह ने क्लियर बोल दिया था कि वे ओल्ड टेस्टामेंट का बहिष्कार नहीं कर रहे लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट का परिष्करण कर रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे भारत देश में कुछ संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान को परिष्कृत किया गया है, उसी प्रकार से ये बोलते हैं कि मैंने कोई ओल्ड टेस्टामेंट को बहिष्कार नहीं किया, यानी कि उसकी बातों को अस्वीकार नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ उसको रिफाइन किया है मैंने, ठीक है ना। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने वाला गवर्नर कौन था, पोंटियस पिलेट, इसका नाम ध्यान रखना, क्योंकि उस समय पर इनका वर्चस्व काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। ये ईसा मसीह जो हैं उपदेश दे रहे थे आम जनता को, और ये जो आपका गवर्नर पोंटियस है वो इस बात से नाराज़ था कि धार्मिक रूप से हमारे धर्म का ही विरोध कर रहा है, ठीक है ना, और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है, इसकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसको टांग दो सूली पर। तो दो चोरों के साथ जो है इनको टांग दिया गया, जिससे इनकी प्रतिष्ठा को काफ़ी आघात पहुँचा। लेकिन इनके जो फॉलोवर्स थे, ठीक है ना, इनके जो फॉलोवर्स थे उन्होंने इनको मरने के बाद भी फॉलो किया, इनके उपदेशों को जो है अपना जीवन का जरिया बना लिया। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं पारसी धर्म के बारे में। पारसी धर्म के पैगंबर कौन थे, ये थे आपके जरथुस्ट यानी कि ईरानी। हमारे भारत देश में स्मृति ईरानी का नाम आपने सुना होगा, है ना, बम्बन ईरानी का नाम आपने सुना होगा और टाटा का नाम भी आपने सुना होगा, ये सारे के सारे जो हैं ईरानी हैं, ठीक है, ओके। ये पारसी धर्म के संस्थापक आपके जरथुस्ट ईरानी थे, ये लोग ईरानी से हमारे भारत देश में आए थे। मुस्लिम धर्म का जब उदय हुआ तो ईरानियों को काफ़ी मारा काटा गया और इनका ईरान से पलायन हुआ, कहाँ पर, भारत देश में। हमारे भारत देश में तत्कालिक राजा थे, उनकी शरण में ये आए, उनसे कहा कि भाई साहब हम आपके यहाँ पर जो है रहना चाहते हैं, हम भारत देश में रहना चाहते हैं। लेकिन वहाँ के लोकल राजा ने इनको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और कहा कि हमारा एक दूध का जो कटोरा है ना, भरा हुआ दूध का कटोरा, वो इनके सामने पेश कर दिया और कहा कि हमारा भारत देश जो है वो धर्मों से भरा हुआ है, हमारे पास मतलब कुल मिलाकर जगह नहीं है आपके लिए, ये बोला। तो यहाँ पर जो ईरानी धर्म के जो आपके वो थे
जो डिप्लोमेट आए थे उन्होंने शक्कर के कुछ दाने डाल दिए। इसका मतलब क्या हुआ, हम आपकी संस्कृति में इस प्रकार से मिल जाएंगे कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हमारी संस्कृति और आपकी संस्कृति अलग है। यानी कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जिस प्रकार से मुस्लिम धर्म हमारे भारत देश में आया, किस प्रकार से मुस्लिम धर्म ने एग्रेसिव रूप से जो है धर्मांतरण करवाया, लेकिन हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। आप चिंता मत कीजिए, आपके धर्म में ही हम लोग क्या है घुल मिल जाएंगे। जिस प्रकार से दूध में चीनी मिल जाती है उसी प्रकार से हम आपके, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार से उस राजा ने पारसियों को आने की अनुमति दे दी और हमारे भारत देश में पारसी आए और आप देख सकते हैं हमारे भारत देश की संस्कृति में इस प्रकार से मिक्सअप हो गए कि हमें पता ही नहीं चलता है कि ये हिंदू धर्म से अलग हैं। पारसियों का जो धार्मिक ग्रंथ है, जिस प्रकार से मुस्लिमों का कुरान है और बाइबल जो है ईसाइयों का है, उसी प्रकार से पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है वो जैन अवस्था है, जिनमें जो है पारसियों की शिक्षाओं का संकलन किया गया है। ठीक है, और हम लोग बात करते हैं पारसियों का प्रमुख त्यौहार जो है नौरोज़ है। आपने नाम सुना होगा नौरोज का, मैंने आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ाया है। आप मुझे बताओ ऐसा कौन सा शासक था जिसने नौरोज प्रथा का भारत देश में क्या किया, नौरोज प्रथा को भारत देश में इंट्रोड्यूस करवाया, बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट। पारसी धर्म जो था वो पारसी लोग जो हैं वो ईश्वर अहोर और मजदा में आस्था रखते हैं, अहोर मजदा में आस्था रखते हैं, आस्था रखते हुए भी अन्य देवताओं की सत्ता को नहीं नकारते हैं, इसीलिए इनको एकाधिके वादी धर्म के नाम से जानते हैं। यानी कि बिल्कुल ये असहिष्णु नहीं है, सहिष्णुता पर विश्वास करते हैं, बोलते हैं कि भाई हमारे भगवान भी हैं और आपके भगवान भी, हम लोग सबको एक्सेप्ट करते हैं। अहोर मजदा की हम लोग बात करते हैं, अहोर मजदा पारसी धर्म में सबसे बड़े देवता हैं, परंतु उन दैनिक जीवन के अनुष्ठानों में और कर्म कांडों में अग्नि उनके प्रमुख देवता के रूप में दृष्टिगत होते हैं। तो प्रमुख देवता कौन है, प्रमुख देवता की हम लोग बात करते हैं तो वो अहोर मजदा हैं, और अगर हम लोग कर्मकांड की बात करते हैं, कर्मकांड में अग्नि को ज़्यादा महत्व देते हैं। हमारे हिंदू धर्म में भी अग्नि को बहुत ज़्यादा जो है महत्व दिया गया है, और आप जानते हैं कि ईश्वर और आम जनता के बीच में, मतलब आम व्यक्ति के बीच में जो मध्यस्थ का काम करवाता है, जो कॉन्टैक्ट का काम करवाता है, वो कौन है, वो है अग्नि। तभी तो हम लोग जाते हैं और दिया लगाते हैं। दिया क्यों लगाते हैं, जिससे कि ईश्वर हमारी प्रार्थना को सुन ले। ये एक तरह से टेलीफोन के तार की तरह आप समझ सकते हैं अग्नि को, ठीक है ना। चलिए अगर हम लोग बात करते हैं इस धर्म में अंत्येष्टि, यानी कि हमारे धर्म में जब कोई इंसान मरता है उसकी अंत्येष्टि होती है तो हम लोग जलाते हैं ना उसको, हिंदू धर्म में। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर जो शव होता है ना उसको खुले आसमान में काफ़ी ऊँचाई पर छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ दिया जाता है, क्योंकि इससे चील और गिद्ध जो हैं वो इनके मांस को खा जाते हैं, फिर क्या बचता है, हड्डी का ढांचा बचता है वहाँ पर। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पारसी धर्म जो है प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण पर ज़्यादा ध्यान देता है, ठीक है ना। और इसी के अलावा अगर बात की जाती है कि ये लोग अपने अंत्येष्टि यानी कि शव को खुला स्थान पर क्यों छोड़ते हैं, इसके पीछे इनका रीज़न ये है कि ये पृथ्वी जल और अग्नि की शुद्धता पर जो है विश्वास करते हैं। इससे क्या है कि जो जिस इंसान ने जन्म लिया है ना, उस इंसान का इसी में विलय हो गया। ये कुछ बातें आपकी जो हैं पारसी धर्म के बारे में हैं। अब सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे धर्म के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं। अब आप मुझे बताना कि सर आपने ये चीज़ नहीं पढ़ाई है, हमसे ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ठीक है ना। आपको सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे आराम से। पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, ये बौद्ध धर्म से, सॉरी ये जैन धर्म से संबंधित है। आपको बताना है जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में, जैन धर्म की शिक्षाओं से संबंधित है। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला है स्वतांत्रिक और सम्मति, जैन मत के संप्रदाय थे। मैंने आपको बताया था कि जैन संप्रदाय भी आगे आने वाले समय में जो था कन्वर्ट, मतलब बढ़ चुका था। और मैंने बौद्ध मत के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि बौद्ध मत में हीनयान और महायान क्या थे, संप्रदाय थे। फिर हीनयान और महायान भी अनेक संप्रदायों में चेंज हुए। तो क्या बताओ, स्वतांत्रिक और सम्मति क्या जैन संप्रदाय के मत थे। दूसरा है सर्वास्तवादियों की मान्यता थी कि फिनोमिना, फिनोमिना फिलॉसफी का एक शब्द है,
फिनोमिना का मतलब होता है ये संसार, जिस संसार में हम लोग रहते हैं ना उसकी बात चलती है। तो फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अव्यक्त रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। ठीक है, अब ये दार्शनिक क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर बताना है। इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों सही, ना तो एक और ना ही दो। फटाफट इसका मुझे आंसर बताइए, क्या आपको ये सभी चीज़ें पता हैं या फिर नहीं पता हैं, बताइए फटाफट। टिपिकल क्वेश्चन तो है, अगर आपने मैंने अगर आपने मेरे लेक्चर को ढंग से पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन को बना के ले जाओगे, वरना गलत कर जाओगे। देखो यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी हैं वो सी ऑप्शन बता रहे हैं। मैंने आपको बताया था स्वतांत्रिक और वेभांशिक, ये स्वतांत्रिक और वेभांशिक हैं, ये बौद्ध मत से संबंधित हैं। बौद्ध मत में भी ये हीनयान से संबंधित है, महायान से नहीं। ठीक है, और महायान में तो आप जानते हैं बोधिसत्व की अवधारणा है। क्लियर है, तो देख लीजिए यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, अब रही बात सर्वास्तवादियों, ये सर्वास्तवादी तो मानते हैं कि जो फिनोमेना है ये क्षणिक नहीं है, ये हमेशा विद्यमान रहते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म क्या मानता है, बौद्ध धर्म क्या मानता है कि हर एक चीज़ क्षणिक है, क्षण भर में उस चीज़ में परिवर्तन हो जाता है, हर एक चीज़ जो है परिवर्तनशील है। ठीक है ना, तो ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों से संबंधित क्वेश्चन था, हालांकि इसमें आपको बौद्ध धर्म के बारे में पता है तो आप इस क्वेश्चन को बनाकर ले जाओगे। ठीक है, केवल दो इसमें आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये IAS 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, किसमें है, IAS 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इतिहास के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका सत्य है। पहला है बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, दूसरा है बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। तीसरा है बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति को विलंबित करता है। बोलता है कि जब तक सभी को, चाहे वो पशु हो चाहे वो आपके इंसान हो, सभी को जब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती तब तक हम भी निर्वाण को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्लियर है, अब आप मुझे बताओ कौन सा कथन सही है। अब आप बोलोगे ये इस क्वेश्चन कब आया है, ये आपका 2016 में आया है। देखो कितना डिटेल में, कितना डीप में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और जब मैं आपको बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में पढ़ा रहा था, जब मैं आपको दर्शन के बारे में पढ़ा रहा था, जब मैं आपको बोधिसत्व के बारे में पढ़ा रहा था, मैंने कहा था ये काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सभी लोगों के लिए, थोड़ा ध्यान रखना। अब देखो वही स्टूडेंट इसको सॉल्व कर पाएगा जो जिसने ढंग से पढ़ा होगा। देखो आप सबसे पहला क्वेश्चन देखो, आप सबसे पहला ऑप्शन, आप वो कथन देखो, आप बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है, किसकी है बताइए मुझे, महायान की है ना, है कि नहीं है। और मैंने आपको बताया था कि बोधिसत्व चाहते हैं कि सभी प्राणियों को मोक्ष की प्राप्ति हो, इसलिए वो स्वयं की निर्वाण की प्राप्ति को भी विलंबित करता है, लेट करता है। बोलते कि भाई जब तक सारे जीव को मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिलती तब तक हम लोग खड़े हुए हैं द्वार पर, हालांकि इनको निर्वाण की प्राप्ति हो चुकी है लेकिन निर्वाण को एक्सेप्ट नहीं करते हैं ये। ठीक है ना, तो पहला, तीसरा और दूसरा ऑप्शन आपका सही है और पहला ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अरे सॉरी, ये तो वही है क्वेश्चन, इसका आंसर था। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। अब बताइए, ये IAS 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन, एग्जैक्टली 2015 में ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, एग्जैक्टली एज इट इज, कोई चेंज नहीं आया। पहला ऑप्शन आपके सामने है अवंती, दूसरा है गांधार, तीसरा है कौशल और चौथा है मगध। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि बुद्ध ने अपने उपदेश कहाँ कहाँ पर दिए। अगर आपको ये मालूम है इनडायरेक्टली, मतलब देखो वैसे डायरेक्ट तो आपसे पूछेगा नहीं कि बताइए बुद्ध भगवान ने कहाँ कहाँ पर जो है उपदेश दिए थे, कहाँ कहाँ पर वो गए थे, लेकिन अब आप क्या, आपसे क्वेश्चन UPS ने पूछ लिया है तो ये आपका रटने वाला क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर फॉर्मेट चेंज कर दिया UPSC ने। ठीक है, और दो बार पूछा है लगातार, कूट नीचे दिए हुए हैं, 1, 2, 3, 2, 4, 3, 4 और 1, 3, 4, बताइए फटाफट इसका क्या आंसर है। देख लीजिए अभी तक जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं IAS के, ये सारे के सारे क्वेश्चन किससे संबंधित हैं, बुद्ध से संबंधित हैं। इसलिए मैंने क्या कहा कि
बुध आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए तो हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। मैंने आपसे पूछा है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित था, तो पहली बात गांधार की अगर आप देखोगे तो गांधार आपका पश्चिमोत्तर सीमा के अंतर्गत आता है, यहां तक नहीं गए थे आपके बुद्ध। यहां पर अवंती की बात करते हैं तो उज्जैन को ही अवंती के नाम से जानते हैं। ये उज्जैन अवंती में जाने का प्रोग्राम बना रहे थे लेकिन उससे पहले ही इनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर हुआ हमारा कौन सा? यह है आपका 3 और 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है। ये क्वेश्चन भी IAS में पूछा गया है और ये क्वेश्चन भी आपका जो है किससे संबंधित है बताइए मुझे। ये क्वेश्चन भी आपका जो है, देखो आप खुद देख लीजिए, महान धार्मिक घटना, ये महास्तवा महामस्तकाभिषेक के बारे में आपको बताया था, कर्नाटका में श्रवण वेलगोला, याद है आपको, है ना, गंगवंश का जो आपका सेनापति था चामुंड राय, उसके द्वारा जो है बाहुबली की बहुत बड़ी प्रतिमा बनाई गई थी कर्नाटका में, उसी के बारे में पूछा जा रहा है आपसे, किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? बाहुबली, बुद्ध, महावीर और नटराज, ये देख लीजिए, ये भी बुद्ध धर्म से, सॉरी ये बुद्ध धर्म से नहीं है संबंधित, आप बताओगे? हाँ आप बताओ मुझे, बुद्ध धर्म से है या फिर जैन धर्म से है? तो मैंने क्या कहा था, जैन धर्म से भी क्वेश्चन आते हैं और बौद्ध धर्म से भी क्वेश्चन आते हैं, सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म से क्वेश्चन आते हैं। ये लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ये है आपके बाहुबली, ठीक है, और यहीं पर जो है महावीर जैन ने संतारा प्रथा के माध्यम से अपने प्राण त्याग दिए। क्लियर है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। नंबर 5वां क्वेश्चन है, ये भी IAS, देख लीजिए यहां से इस सेक्शन से IAS में कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्नांकित में से कौन सा कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? अब देख लीजिए ये दार्शनिक बातें हैं, ये दार्शनिक बातें उसने पूछ ली है, मैंने आपको बताया भी था, मैंने आपको पढ़ाया भी था जब मैं आपको पढ़ा रहा था जैन धर्म के बारे में, ठीक है। यहां पर आपसे पहला कथन पूछा गया है, कर्म को विनिष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। तपश्चर्या का मतलब क्या होता है? यानी कि तपस्या है। दूसरा है, देखो मतलब UPSC किस प्रकार से भेदभाव करता है, इसको तपस्या लिखने में क्या जा रहा था आप मुझे बताओ, हाँ तपस्या लिखने में क्या जा रहा था, ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जिसका संबंध ऊंचे नीचे है ही नहीं है। अगर इंसान कॉमन सेंस का यूज ना करे तो भाई वो तो वैसे भी इसको ये कथन समझ में ही नहीं आएगा, तपश्चर्या है क्या। ठीक है, दूसरा है, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा होती है। तीसरा है, कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। आपको सही उत्तर का चुनाव करना है, बताइए आपको सही उत्तर का चुनाव करना है, बताइए कौन सा आपका उत्तर यहां पर सही है। केवल एक सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 2 सही है और 1 और 2 और 3 सही है। यहां पर आप मुझे बताओ, 2013 में क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। यहां पर क्वेश्चन आपका डी सही है, यानी 1 2 3 ये सारे के सारे ऑप्शन आपके सही हैं। क्लियर है, थोड़ा ध्यान दो यार, इतना सब पढ़ाने के बावजूद भी अगर आप क्वेश्चनों को गलत करते हो तो मेरे हिसाब से मतलब फिर दुख बहुत ज़्यादा होता है ना, है ना, या तो आपस में बात ही कर लो या फिर क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है ना, आपको बताना है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। ये BPSC में आया हुआ क्वेश्चन है, सिंपल सा है भाई, जितने भी बच्चे हैं वो गलत आंसर दे रहे हैं, कम से कम अब तो सही आंसर दे दो इसका। हाँ ठीक है, वैशाली, राजगृह, सारनाथ या फिर पावापुरी। तो यहां पर कौन सा है आपका? सारनाथ। बच्चा बच्चा इस बात को जानता है और कईयों बार इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है। ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 7वां क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध, ये दूसरा क्वेश्चन है, चलो ठीक है, इसके बारे में आप मुझे बता दीजिए। मैंने आपको एक टेबल बताई थी, है ना, उसी टेबल में से क्वेश्चन पूछा हुआ है और कुछ मैंने आपको जो है संप्रदायों के बारे में बताया था। अब आप मुझे बताओ, ये आचार्य हैं और ये आपके सिद्धांत हैं, आपको बताना है लकुलिश,
ये किससे संबंधित है, नागार्जुन किससे संबंधित है, भद्रबाहु किससे संबंधित है, और ये घोषाल है, मक्खाली घोषाल इनका पूरा नाम है, डी का ऑप्शन का, ये किससे संबंधित है। बताइए सातवें का कौन सा आंसर है। ऐसे लिखिए सातवें का सी, सातवें का बी, सातवें का डी, इस प्रकार से आप लिखिए। ओके तो आप जानते हैं ल कुलिश जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ाया था, पाशुपत संप्रदाय, नागार्जुन ये शून्यवाद के समर्थक थे, भद्रबाहु ये जैन धर्म से संबंधित हैं, दिगंबर संप्रदाय से, और मक्खाली घोषाल जो हैं ये आजीवक संप्रदाय से संबंधित हैं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हुआ आपका, यहाँ पर आपका आंसर हुआ बी आंसर। ठीक है आगे आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आठवां क्वेश्चन सिंपल सा है। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार चार युगों के चक्र का क्रम किस प्रकार का है। ये क्वेश्चन विश्वास नहीं करोगे, ये क्वेश्चन आपका IAS में आया हुआ है, 1996 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। द्वापर कृत त्रेता और कली, कृत द्वापर त्रेता कली, कृत त्रेता द्वापर कली और त्रेता द्वापर कली कृत। ठीक है फटाफट बताइए, क्या क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं क्या आपसे ये सभी चीजें। सिंपल सी सब चीजें हैं यार, मेरे हिसाब से प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए आपको। क्या आंसर है इसका, इसका आंसर है कृत त्रेता द्वापर और कलयुग। ठीक है चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है आपके लिए, आपको बताना है निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बौद्ध सत्व का अंकन मिलता है। अजंता में से, या फिर एलोरा में से, या फिर कनेरी में से, या फिर कार्ले में से, बताइए क्या है इसका आंसर। बताइए अजंता में से, एलोरा में से, कनेरी की गुफाओं में से, या फिर कार्ले में से, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। तो ये है आपका कौन सा, कनेरी की गुफाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आपको बताना है दसवां क्वेश्चन का आंसर। पश्चिमी गोदावरी, क्या पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटूफल्ली में प्रारंभिक चैत्य ग्रह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। दूसरा है पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतः चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। अब आप बताइए क्या है इसका आंसर। सिंपल से क्वेश्चन है यार, मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ओके तो यहां पर आपका जो आंसर है वो क्या है, देखिए आप एक और दो दोनों सही, दोनों आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इन चीजों के बारे में बताना है। तीर्थंकर एक साइड आपको दे रखे हैं और एक साइड आपको प्रतिमा के लक्षण दे रखे हैं, यानी कि इनके चिन्ह क्या थे। आदिनाथ वृषभ, मल्लिनाथ अश्व, पार्श्वनाथ सर्प और संभवनाथ। मैंने आपको प्रतीक और चिन्हों के बारे में बताया था, उसी से संबंधित ये क्वेश्चन है। फटाफट मुझे बताइए क्या है इसका आंसर। हाँ ये तो रटा हुआ क्वेश्चन है, रटने वाला क्वेश्चन है। कम से कम दो लोगों के नाम मैंने बोला था, आदिनाथ का इसका तो याद रखना, पार्श्वनाथ का भी नाम याद रखना, इन दोनों से भी आप बना सकते हो क्वेश्चन को। ठीक है एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हुए इसका आंसर एक है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, बहुत ही सिंपल है। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी, ठीक है क्या स्थानकवासी का संबंध किससे है, बौद्ध मत से है, जैन मत से है, वैष्णव मत से है, या फिर शैव मत से है। मैंने आपको अनेक संप्रदायों के बारे में पढ़ाया था, इन अनेक संप्रदायों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है यहाँ पर आप मुझे बताइए किस मत से संबंधित है, बौद्ध जैन और वैष्णव और शैव मत से, बताइए फटाफट। इनके आंसर आपको पता नहीं है ना, मुझे मालूम है। अब जो बच्चे रेगुलर नहीं रहते हैं, जिन बच्चों ने लेक्चर को पूरा नहीं किया है, कल का लेक्चर छोड़ दिया है, तो कहाँ से क्वेश्चन बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे ना। अब जो बच्चे रेगुलर रहते हैं उनको तो फायदा मिलेगा डेफिनेटली। ठीक है तो आप समझिए यहाँ पर क्वेश्चन आपका आता है
इसका आंसर है जैन मत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? अवलोकितेश्वर, लोकेश्वर, मैत्रेय और पद्मपाणि, बताइए। यह भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से इसमें कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा आप सभी लोगों को, बताइए बताइए इसका क्या आंसर है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा के हेतु अवतरित हुए हैं? कौन है? अवलोकितेश्वर हैं या फिर लोकेश्वर हैं या फिर मैत्रेय हैं या फिर पद्मपाणि हैं? तो यहाँ पर बहुत ही जल्दी आपका आंसर आने वाला है, वो है मैत्रेय। ये क्वेश्चन भी मैंने कईयों बार आपको करवाया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको महायान और हीनयान के बीच में अंतर बताना है। आपके सामने क्वेश्चन है, महायान में पुण्य का अन्यारोपण हो सकता है जबकि हीनयान में कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मात्र उदाहरण और सलाह से ही मदद कर सकता है। दूसरा है, महायान बोधिसत्व में विश्वास करते हैं जबकि हीनयान नहीं करता है। सी है, हीनयान ने वेदना परित्रता के प्रत्यय को संवर्धित किया और महायान अर्हत पूज के प्रत्यय को प्रतिपादित करता है। बताइए इसमें कौन सा आंसर सही है आपका। मेरे हिसाब से सिंपल तो नहीं है, थोड़ा सा टिपिकल है, दिमाग का यूज़ कीजिए, हो सकता है कि आ जाए। महायान, देखो आप, मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको करवाए हैं वहाँ से आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी कि बुद्ध से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऑब्वियसली बुद्ध धर्म से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। अगर आप पूछोगे कि सर हम लोग धार्मिक आंदोलन पर सबसे ज़्यादा फोकस किस पर करें, तो मैं अभी भी यही बोलूँगा कि बौद्ध धर्म पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। देखिए यहाँ पर जो है आपका क्या है, महायान बोधिसत्वों में विश्वास करता था जबकि हीनयान नहीं करता था। ये जो है अंतर आपके बीच में काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है आपके लिए, बौद्ध संघ मठवासियों का एक संगठन था, पहली बात, जो धम्म के शिक्षक बने। दूसरा है, जिसने शिक्षा के प्रसार में मदद की। तीसरा है, राज्य की एकात्मकता में मदद करने हेतु। और डी है, विपत्ति के समय गरीबों को राहत प्रदान हेतु। ये बौद्ध संघ मठियों ने एक संगठन बनाया था जिसे संघ के नाम से हम लोग जानते हैं, इसका उद्देश्य क्या था ये आपको बताना है। अब बस कीजिए सर, यार आपको नहीं पढ़ना है तो आप जा सकते हैं ना, आपसे किसने बोला है कि आप रुकिए? अगर हम लोगों ने कोई कंटेंट पढ़ा है और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है ना उन सब चीज़ों का। और हम लोगों ने पढ़ लिया उसके बाद क्वेश्चन भी नहीं बन रहे हैं तो उसका भी कोई मतलब नहीं है, है कि नहीं है? तो आप पढ़ो और उसके बाद क्वेश्चन को बनाओ। अगर नहीं बन रहे हैं, कोई डाउट है तो मुझसे पूछो, मैं आपको फिर से बताऊंगा, ठीक है? बौद्ध संघ मठवासियों का एक संगठन था जो धम्म के शिक्षक बने और उन्होंने जो है आम जनता को बहुत सारे उपदेश दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अशोक ने 252 BC में तीसरी बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में आहूत की और वहीं पर बौद्ध मत में दो संप्रदाय हीनयान और महायान विभक्त हुए। क्या अशोक के समय पर हुए थे वो? दूसरा कथन आपके सामने है, कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति श्रीनगर के पास कुंडल वन में आहूत की, ऐसा विश्वास है कि वासुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की थी। देख लीजिए, मैंने आपको एक टेबल बताई थी, मैंने आपको बताया था किस शासक के समय पर बौद्ध संगीति हुई थी, मैंने आपको स्थान भी बताए थे और मैंने आपको अध्यक्ष भी बताए थे। फटाफट इसका आंसर मुझे बताइए, क्या है इसका आंसर? आपको UPSC लेवल का पढ़ाया जाए ना, UPSC लेवल के लायक नहीं हो आप लोग, पता है? कुछ बच्चों के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, UPSC लेवल के लायक नहीं हो। जो फूल पत्ती वाले क्वेश्चन है ना, उन्हीं को आप सॉल्व करो, फूल पत्ती वाले क्वेश्चन के लायक ही हो आप, ठीक है? कुछ बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, सभी बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तुम फूल पत्ती के क्वेश्चनों के लायक ही हो, है ना? भारत का प्रधानमंत्री कौन था, सबसे लंबी सड़क कौन सी थी, बस इसी के लायक हो। और ऐसे बच्चे प्लीज़ मेरे लेक्चर में ना आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना? ठीक है, क्योंकि आपकी औकात नहीं है कि UPSC को क्रैक कर पाओ, क्लियर है? आप फूल पत्ती के क्वेश्चन को सॉल्व करो, वही आपके लिए अच्छा है। यहाँ पर पहला कथन असत्य है और यहाँ पर जो है दूसरा कथन भी आपका, सॉरी, दूसरा कथन आपका सत्य है, ठीक है?
क्योंकि आप जानते हैं हीनयान और महायान संप्रदाय का जो डिवीज़न हुआ था उसमें आप जानते हैं कनिष्क के समय पर हुआ था, उस समय पर राजा कौन था? कनिष्क था। चलिए जैन धर्म के बारे में आपको और बताना है। जैन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण विचार यह है कि संपूर्ण विश्व सजीव है, यहाँ तक कि पत्थर चट्टान और जल में भी जीवन है, ठीक है। दूसरा है कर्म चक्र से स्वयं को मुक्त करने के लिए वैराग्यवाद और तपस्या आवश्यक है। अब आप मुझे बताइए जैन धर्म से ये आया हुआ क्वेश्चन है, अगर उन्होंने ऊपर ऊपर से पढ़ा होगा तो क्या इस क्वेश्चन को बना सकते हैं? ये फूल पत्ती टाइप से जो एजुकेटर पढ़ाते हैं वो ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं क्या? बताइए, मैंने आपको फिलॉसफी में डाला था, फिलॉसफी अगर मैं चाहता तो नहीं पढ़ाता, लेकिन मैंने आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया, बौद्ध के बारे में बताया और जैन धर्म की फिलॉसफी के बारे में बताया। उसका रीज़न यही था कि ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं इसका आंसर क्या है? इसका आंसर सी है। जैन धर्म बोलता है चाहे वो सजीव वस्तु हो चाहे वो अजीव वस्तु हो, यानी कहने का मतलब पत्थर चट्टान टेबल कुर्सी, इन सब में भी जीव होता है, जीवन होता है, ठीक है ना। इस संसार में एक भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें जीवन नहीं है, लेकिन जीवन की मात्रा जो है कम और ज़्यादा होती रहती है। जैसे कि हम लोग वृक्ष की बात करते हैं उसमें जीवन कम मात्रा में होते हैं, अचेतन अवस्था में होते हैं, लेकिन जो पृथ्वी पर प्राणी पाया जाता है मनुष्य, उसमें सबसे ज़्यादा जीवन है, कहने का मतलब वो समझदार है। इस तरह से जो है इन्होंने सजीव और अजीव की जो है व्याख्या की है, लेकिन इन्होंने कहा है कि सभी जीवों में और अजीवों में जीवन होता है। कर्मचक्र से अगर आपको मुक्ति पानी है तो आपको कठोर तपस्या करना पड़ेगा। ये दो शिक्षाएं हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इनमें से कौन बुद्ध की धात्री माँ थी? धात्री माँ का मतलब जो है जिन्होंने है पालन पोषण किया था। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है नहीं है। वो है प्रजापति गौतमी, ठीक है ना। और ये प्रजापति गौतमी है, यही आपकी सबसे पहली बौद्ध अनुयायी बनी थी। बौद्धिसत्वों के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। उन्हें ऐसी अत्यंत दयालु हस्ती के रूप में समझा जाता है जिन्होंने अपने प्रयत्नों से पुण्य संचित किए हैं। दूसरा है उन्होंने निब्बान प्राप्त करने के यत्न किए थे। अब ये निब्बान क्या है? ठीक है, तो यहां पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है केवल एक। उन्होंने कहा था कि जब तक इस संसार में सभी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, सभी को निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है, तब तक हम भी निर्वाण की प्राप्ति नहीं करेंगे। बौद्ध ग्रंथ मज्जिम निकाय, मैंने कहा था सुत्पीटक के अंग थे अलग अलग, मज्जिम निकाय अगुंतर निकाय, उसी में से पूछ लिया है। मज्जिम निकाय की भाषा क्या थी? पाली थी, प्राकृत थी, तेलुगु थी या फिर संस्कृत थी? बताइए, थोड़ा कॉमन सेंस का यूज़ करोगे ना। कि जहाँ पर अपवाद होते हैं, जहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात होती है, वहीं से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो बताइए बौद्ध ग्रंथ मज्जिम निकाय किससे संबंधित? सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बता दोगे पाली भाषा संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन मताविलंबी मानते हैं कि महावीर के 23 पूर्ववर्ती थे, यानी कि इनसे पहले 23 तीर्थंकर थे, और दूसरा है पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, और तीसरा है महावीर के निकटतम उत्तरवर्ती ऋषभ थे। बताइए कौन सा कथन आपका सही है? सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। इसमें भी देखो है तो ये रटने वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये एसएससी वगैरह के क्वेश्चन के लायक है, लेकिन इसने तीन कथन तीन फैक्ट दे दिए और फॉर्मेटिंग करके यूपीएससी का क्वेश्चन बना दिया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कुछ ऐसे क्वेश्चन करना भी बहुत ज़रूरी है जो कि अन्य स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम में आए हैं या फिर एसएससी में आए हैं, ठीक है। ओके, इसके लिए आप पॉइंटर पढ़ सकते हैं, पॉइंटर काफ़ी ज़रूरी है। घटना चक्र के चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में किसके नेतृत्व में हुई? बिंदुसार के नेतृत्व में हुई या फिर अशोक के नेतृत्व में, कुणाल के नेतृत्व में या फिर कनिष्क के नेतृत्व में? ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, जस्ट अभी रिपीट हुआ है, ये कनिष्क के समय पर हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रारंभिक बौद्ध साहित्य धर्मसूत्री पाठ से रचित हैं। दूसरा है बौद्ध शाखाएँ अपने धर्मसूत्री साहित्य का वर्गीकरण केवल पिटक के रूप में करती हैं। अब बताइए मुझे, देखिए कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पर जो हैं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बौद्ध धर्म से डेफिनेटली क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं,
थोड़ा सा ध्यान रखना। बताइए दो कथन आपके सामने दे रखे हैं और बताइए इसका क्या आंसर है। तो इसका आंसर है आपके सामने ना तो एक और ना ही दो। क्यों है? क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं मैंने आपको बहुत धन पढ़ाया है, यहाँ पर ऐसी कोई भी बात हम लोगों ने नहीं करी है। यहाँ पर आपके सामने 24वां क्वेश्चन है, रिजोल्यूशन थोड़ा सा बढ़ा लेना क्योंकि आपको शायद ना दिखे यहाँ पर। ओके, आपको दो कथन देने हैं और आपको दो कथन में से बताना है क्या कथन कारण की सही व्याख्या करता है या फिर कथन कारण की सही व्याख्या नहीं करता है, कथन सही है किंतु कथन असत्य है, ऐसे आपको बताना है। पहला कथन आपके सामने है, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में बासवन्ना नामक ब्राह्मण के नेतृत्व में नए आंदोलन का उदय हुआ। दूसरा है लिंगायत शिव की उपासना उनके लिंग रूप में आविर्भाव में करते थे। अब बताइए आप मुझे क्या है इसका आंसर। क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं ना? नहीं बनेंगे, डेफिनेटली नहीं बनेंगे क्योंकि आपने ढंग से पढ़ा ही नहीं है चीजों को। ठीक है, तो यहां पर आपका जो है दोनों अलग अलग सत्य हैं लेकिन कथन कारण की सही व्याख्या नहीं करता है, दोनों कथनों में कोई कोरिलेशन नहीं है। अब जब आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना तो उसमें कथन और कारण के बीच में क्योंकि लगा लिया करो, अगर क्योंकि से सेंटेंस बन रहा है तो ये क्वेश्चन जो है आपका सही है। ठीक है, कितने सारे क्वेश्चन बचे हैं भाई? खोजासा जो इस्माइल पंथ की एक शाखा है द्वारा विकसित साहित्य विधा का एक नाम है, जीनान जियारत राग और शहदा, ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया है लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं जो नहीं पढ़ाए हुए चीज़ों में से आ सकते हैं। तो कैसे आप अटेंड करोगे या फिर इनको छोड़ दोगे? तो ये है आपका जीनान से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27वां, 10वीं शताब्दी के नालियर दिव्य प्रबंधम के रचयिता कौन थे? अलवर, नयनार, अप्पा और सावंदार। हालांकि मैंने आपको साहित्य ग्रंथ के बारे में नहीं बताया है, मैं आपको जो है जब संगम साहित्य पढ़ाऊंगा तब संगम साहित्य में ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहां पर इसका जो आंसर है वो है आपका अलवर। ठीक है, अलवर आप जानते हैं वैष्णव संप्रदाय से संबंधित था। गंथ तिदु जातक कथा किस भाषा में लिखी गई है? ऑब्वियसली आप जानते हैं किस भाषा में लिखी गई है, पाली भाषा में लिखी जाएगी। बौद्ध धर्म के बहुत सारे जो ग्रंथ हैं वो मैक्सिमम ग्रंथ जो हैं आपके किस में लिखे गए हैं, पाली भाषा में। राजा अवंतीपुत्र और बुद्ध के शिष्य कच्चान के बीच वर्ण के विषय में संवाद निम्नलिखित किस बौद्ध ग्रंथ में मिलते हैं? मज्जिकम निकाय में, संयुक्तक निकाय में, अगंत निकाय में या फिर अवंत सूत्र में? ये मैंने आपको बताया था, सभी निकायों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये है आपका मज्जिकम निकाय, है ना, मैंने अगुंतर निकाय भी आपको पढ़ाया था, मज्जिकम निकाय भी आपको पढ़ाया था मैंने आपको। तो यहाँ पर आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और अब हम लोग इस सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अब हम लोग आंसर राइटिंग चेक करते हैं, ठीक है ना। जिसने भी आंसर लिखा होगा सबसे पहले उसको हम लोग, इससे पहले आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर ये हमारा मेन ग्रुप है, लगभग 12,380 सब्सक्राइबर हैं, आप भी इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्लास के नोटिफिकेशन आपको यहीं पर मिलेंगे। ये है आपका यूपीएससी डिस्कशन ग्रुप, यहाँ पर आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी समस्या और पोल का आंसर आप दे सकते हैं। ये है जीएस पेपर आंसर राइटिंग ग्रुप, यहाँ पर हम लोग हर रोज़ आंसर राइटिंग करते हैं। मैं हर रोज़ एक क्वेश्चन देता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर टॉप थ्री जो सबसे पहले देते हैं उसका मैं आंसर चेक करता हूँ। बाकी लोग जिसका आंसर मैं चेक नहीं कर पाता वो सभी लोग जो हैं वो मैचिंग किया कीजिए कि हम लोगों ने कहाँ गलती करी है, ठीक है ना। क्योंकि ये है, मैंने आपको बताया, देखो वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित है ये। संयुक्त राज्य अमेरिका को राष्ट्र की अभिव्यक्ति, संयुक्त राज्य अमेरिका को एक राष्ट्र की अभिव्यक्ति अमेरिकी क्रांति से प्राप्त हुई थी, तो इसे एक आधुनिक राष्ट्र बनाने का कार्य अमेरिकी गृह युद्ध ने किया था। दो चीज़ें याद रखना, एक आपसे पूछ रहा है आधुनिक राष्ट्र, आधुनिक राष्ट्र अमेरिकी गृह युद्ध के माध्यम से कैसे बना, अमेरिकी गृह युद्ध के माध्यम से कैसे ये आधुनिक राष्ट्र बना, अमेरिकी गृह युद्ध ने किस प्रकार से अमेरिका को आधुनिक राष्ट्र बनने में सहायता करी, एक पोर्शन तो आपका ये है। पॉइंट वाइज भी आप लिख सकते हैं, आप फालतू की कोई बात मत लिखना, डायरेक्ट आप जो है अटैक करना, फोकस करना क्या पूछा है। दूसरा आपसे पूछा है संयुक्त राज्य अमेरिका को एक राष्ट्र की अभिव्यक्ति, यानी कि सभी लोगों में एक राष्ट्र की भावना पैदा हुई, वो कैसे पैदा हुई,
अमेरिकी क्रांति के माध्यम से। तो अमेरिकी क्रांति को आपको अमेरिका के एक राष्ट्रवाद के रूप में जोड़ना है। दूसरी बात है अमेरिकी गृह युद्ध के माध्यम से किस प्रकार से अमेरिका एक आधुनिक राष्ट्र बना। ये दो चीज़ याद रखना। अब आप देखो किस किस ने सही आंसर दिया है, इन दो चीज़ों पर हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है ना। बाकी अगर आपने क्वेश्चन को नहीं समझा है तो वो गलत है, बाकी आप किसी के बारे में भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इसमें आपने कुछ अमेरिका के बारे में लिखा है, सॉरी अमेरिका गृह युद्ध के बारे में लिखा है, बहुत अच्छी बात है, ये इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं। लेकिन मैन बॉडी हमारी आती है यहाँ से, अमेरिका को एक राष्ट्र के रूप की अभिव्यक्ति अमेरिका क्रांति से प्राप्त, कैसे, रीजन बताना है आपको। तो स्वतंत्र प्रजातांत्रिक राष्ट्र की स्थापना, जो सिद्धांत दुनिया में प्रचलित थी उसे व्यवहार में लाकर अमेरिका ने एक सशक्त उदाहरण पेश किया। प्रतिनिधि सरकार की स्थापना, लिखे संविधान निर्माण, संघात्मक शासन व्यवस्था स्थापित, अमेरिका ने विश्व के समक्ष चार नए राजनीतिक आदर्श प्रस्तुत किए, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, सामाजिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, चलो ठीक है, अच्छा है, पॉइंट अच्छे हैं। आधुनिक राष्ट्र बनने का कार्य गृह युद्ध ने किया, कैसे किया, संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में गृह युद्ध प्रधान मोड़ का कार्य किया, युद्धकाल ने जान माल की अत्यधिक क्षति हुई, आपसी घृणा, आर्थिक व्यवस्था, दक्षिणी राज्यों की जीवन शैली को ठेस पहुँची, किंतु यह एक कड़वी दवा जैसी थी जो होकर भी जीवन रक्षक होती है, दुखदायी होते हुए भी अमेरिकी के लिए आशीर्वाद बन गया। अच्छा ठीक है, प्रभाव क्या हुआ, मजबूत राजनीतिक संरचना का निर्माण हुआ, सामाजिक मूल्य परिवर्तन आया, बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छा लिखा है बबीता चौरसिया। आपने निष्कर्ष में क्या लिखा है, स्वतंत्र अमेरिका का अस्तित्व में आना इसी क्रांति की देन है। इसके अलावा गुण एवं प्रतिभा पर आधारित नवीन कुलीन तंत्र का विकास हुआ, यह प्रथम, बहुत बढ़िया, ये बबीता ने लिखा है, बहुत बढ़िया लिखा है, इनको 10 में से 6 नंबर दिए जाएंगे, बहुत बढ़िया। इन्होंने प्रश्न की मांग को भी समझा है, लंबे समय तक युद्ध चलने के कारण ये क्या है, एक मिनट रुको, ये दूसरा पेज है शायद मेरे हिसाब से, ये है अमेरिका गृह युद्ध के बारे में उन्होंने बताया, बहुत बढ़िया। अमेरिका गृह युद्ध से पहले अमेरिका क्रांति के बारे में आप बता देते, जिस प्रकार से किसने बताया है बबीता चौरसिया ने, उसी प्रकार से आप भी बता सकते थे, आपने बस इंट्रोडक्शन में अमेरिकी गृह युद्ध के बारे में बताया है। अमेरिकी गृह युद्ध की अमेरिका को आधुनिक राष्ट्र बनाने में, इसका पहला पार्ट तो आपने लिखा ही नहीं है, पहला पार्ट लिखना बहुत ज़रूरी है आपको, आपने दूसरे पार्ट का आंसर दिया है, आपने पहला पार्ट तो लिखा ही नहीं है, इसलिए आपको आधे नंबर ही दिए जाएंगे, ठीक है। आपने अपनी गलती को पकड़ा। संयुक्त राज्य अमेरिका को एक राष्ट्र की अभिव्यक्ति अमेरिका क्रांति से प्राप्त हुई, ये पार्ट का आपने आंसर नहीं दिया है। बबीता चौरसिया की कॉपी को आप देखिए और कहाँ गलती करी है, थोड़ा सा उसको आप चेक कीजिए, है ना। यहाँ पर है पल्लवी ने लिखा है अमेरिका क्रांति के बारे में, अमेरिका गृह युद्ध के बारे में, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखो एक बात मैं आपको और बताऊं, स्टार्टिंग में अमेरिका क्रांति को आप लिखिए और अमेरिका क्रांति के माध्यम से किस प्रकार से एक राष्ट्र के रूप में उभरा आप इसको लिखिए। जब सेकंड पार्ट आप लिखोगे तब अमेरिकी गृह युद्ध के बारे में आप लिखिए और फिर आप अमेरिकी गृह युद्ध के माध्यम से किस प्रकार से एक आधुनिक राष्ट्र बना उसको आप लिखिए, ठीक है ना। स्टार्टिंग में ही आप अमेरिकी गृह युद्ध और अमेरिका की क्रांति को ना लिखें, केवल और केवल अमेरिका क्रांति के साथ जो है इस पॉइंट को जोड़ें और दूसरे पॉइंट को आप यहाँ पर जोड़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वैसे गलत नहीं है लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। इनका भी आंसर काफ़ी अच्छा है, अमेरिका क्रांति के बाद संघात्मक ढांचे का विकास हुआ, बहुत बढ़िया। देखो छोटे छोटे पॉइंट बनाना बहुत ज़रूरी है, जो कि पल्लवी ने किया है, आप लोग भी छोटे छोटे पॉइंट बनाओगे तो काफ़ी बचत होगी, आप डायमेंशन ज़्यादा कवर कर सकते हैं, कम शब्दों के माध्यम से आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। ये पल्लवी मिश्रा की आंसर राइटिंग है, वो काफ़ी अच्छी है। गृह युद्ध के माध्यम से मजबूत राजनीतिक संरचना निर्माण हुआ, सामाजिक मूल्य परिवर्तन, आदित्यों के क्रॉस, बहुत बढ़िया, दास प्रथा का अंत हुआ, दासों के बारे में बता सकते हैं, महिलाओं के बारे में बता सकते हैं, ठीक है ना। आप आर्थिक मामले में, सामाजिक मामले में, अवसंरचनात्मक मामले में, राजनीतिक मामले में, इन सब में इनकी आंसर राइटिंग काफ़ी अच्छी है। अगर कहा जाए कि बबीता चौरसिया, तो बबीता चौरसिया से भी इनकी आंसर राइटिंग अच्छी है, क्योंकि इन्होंने वर्ड लिमिट को थोड़ा सा फोकस किया है, है ना। अमेरिकी क्रांति ने ना केवल अमेरिका राजनीतिक से प्रभावित अमेरिकी राजनीति को प्रभावित किया, विश्व स्तर पर स्वतंत्रता, एकता और समानता का प्रसार किया, बहुत बढ़िया, क्योंकि अमेरिका की क्रांति के बाद जितने भी उपनिवेश थे उनके अंदर भी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व था, इस प्रकार की भावना विकसित हुई, ये बहुत ही बढ़िया है, ठीक है ना। एक विशाल व शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा, इसी प्रकार अमेरिकी गृह युद्ध ने अमेरिका के एक
आधुनिक राष्ट्र एवं, बहुत बढ़िया, आपको मैं 10 में से 7 नंबर दूंगा, बहुत बढ़िया है आपका आंसर, ठीक है ना। और सभी लोग जो हैं एक बार पल्लवी की आंसर राइटिंग को चेक कीजिए, है ना, और कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं एक बार आप देख सकते हैं, पल्लवी से मैच कर सकते हैं, जिसकी भी कॉपी मैं चेक नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो एक गलती इन्होंने की है, अमेरिकी गृह युद्ध को थोड़ा सा आप यहाँ पर लिखती ना, पल्लवी मिश्रा अगर हैं, पल्लवी मिश्रा नहीं सॉरी पल्लवी क्या क्या लिखा हुआ है पता नहीं है, तो ज़्यादा अच्छा होता, बाकी बहुत बढ़िया है, ठीक है। इसी प्रकार से आंसर राइटिंग कीजिए, और किस किस ने आंसर राइटिंग की है एक बार मैं नाम बोल देता हूँ इनके, बहुत सारे लोगों का विश्व इतिहास कंप्लीट नहीं होगा, मैंने पूरी की पूरी विश्व इतिहास की सीरीज बना रखी है यूट्यूब पर, जितने भी विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने विश्व इतिहास नहीं पढ़ा है तो वो वहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये आरती भरद्वाज कृषि की आंसर राइटिंग मैंने चेक की थी, वो काफ़ी अच्छी है, इसके अलावा इल्मा खान, ठीक है, बहुत कम लोगों ने अटेम्प्ट किया है इस क्वेश्चन को, क्योंकि हर किसी की वर्ल्ड हिस्ट्री कंप्लीट नहीं होती है। आप सभी से मतलब आप सभी आंसर राइटिंग कीजिए, एक दिन में कभी भी आप आंसर राइटिंग को नहीं सीख सकते हैं, आंसर राइटिंग करने में आपको एक बहुत लंबे समय की आवश्यकता है, वरना होता यह है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान रखना, मेरे साथ साथ आंसर राइटिंग करो, एक साल के बाद बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे अपने आप में। यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कॉम्बैट, कॉम्बैट में भी आप बी एस लाइव कोड का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर फ्री टेस्ट सीरीज में भी आप यूज़ कर सकते हैं बी एस लाइव का। 9 जून से जो है अलग अलग बैच स्टार्ट हो चुके हैं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप सिलेबस स्टार्ट कीजिए, कॉम्प्रिहेंसिव वे में तैयारी कीजिए अनअकैडमी के साथ। यहाँ पर 35% का आपको ऑफर मिल रहा है, बहुत ही कम समय के लिए अवेलेबल है, पता नहीं कब उठ जाए। तो आप सभी जो है जितने भी विद्यार्थी हैं सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, 35% ऑफ का लाभ उठाना चाहते हैं, तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कोड आपको दिख रहा है ना, अप्लाई कोड, इस कोड में जो है आपको बी एस लाइव कोड का इस्तेमाल करना है, B4 Bhupendra, S4 Singh, LIBE Live, ठीक है ना। बी एस लाइव कोड का यूज़ करोगे तो मेरी टीम का हिस्सा बन जाओगे और मैं आपको गाइड करूँगा। चलो ठीक है, कल फिर से मिलते हैं, कल हम लोग मिलेंगे मौर्य साम्राज्य, कल हम लोग करेंगे मौर्य साम्राज्य 322 ईसा पूर्व से 125 ईसा पूर्व। ये जो मौर्य साम्राज्य है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन, तो मौर्य साम्राज्य को हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही मज़ा आपको आने वाला है। मैं आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताऊँगा, मैं आपको चाणक्य के बारे में बताऊँगा, मैं आपको अशोक के बारे में बताऊँगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो सुबह 7 बजे तैयार रहना, हम लोग आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को जय हिंद।